अदालत में मेरे खिलाफ झूठी गवाही देता है साले। तेरे जैसे बदमाशों से तो मैं रोज निपटती हूँ। सीएम का मर्डर मैंने किया था? नहीं। किसने किया था बता, किसने किया था? अगर बताऊंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे। नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगी, बता बता। भवानी प्रसाद ने करवाया। चल यही बात तुझे अदालत में कन्फेस करनी होगी। चल खबरदार कोई आगे बढ़ा तो। मूव मूव। सीएम का बहुत गड़बड़ है। कौन कौन बैठा है? वही रूटीन चलते हैं उसके। ओ मिनिस्टर, पीपीएल ने सारे गुंडे पाल रखे हैं सेंट्रल जेल में। सर हकीकत तो ये है कि सुपरिंटेंडेंट जेलर ललकार सिंह बीपीएल का खास आदमी है। सर ललकार सिंह के आने से बीपीएल के गुंडों को हर सुविधा मिल जाएगी। जेल 5-स्टार होटल बन जाएगा सर। आप लोग चलिए, होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। अच्छा, मैं उनसे बात करता हूं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रणाम चीफ मिनिस्टर। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू। आपने जेल सुपरिंटेंडेंट ललकार सिंह का ट्रांसफर क्यों किया? उसे किस लिए सेंट्रल जेल में तैनात किया? अरे हमारी मर्जी साहब, आफ्टर ऑल हम स्टेट के होम मिनिस्टर जो हैं, और वैसे भी ललकार सिंह हमारा बहुत खास है। सारे अव्वल नंबर के चोर डकैत भरे हैं उस जेल में। ठीक कहा आपने चीफ मिनिस्टर साहब, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन ये सब लोग हैं होनहार गुंडे, पार्टी का मुश्किल का वक्त में ये सब गुंडे ही काम आते हैं। ऐसा है पार्टी के लिए ये सब। क्या विचार है आपके होम मिनिस्टर? अरे विचार नहीं है चीफ मिनिस्टर साहब, ये तजुर्बा है। अब देखिए, शरीफों के हाथों से राज नहीं चलता है, राज चलता है गुंडों और बदमाशों से। और जब आपने बात उठाई दिया तो एक बात हम भी कह देते हैं, ये जो आपके चेले चपाटे हैं इनके साथ मिलके अगर आप हमारा विरोध करने की बात सोच रहे हैं तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ड्रॉप द आइडिया, नॉट गुड। ये सब के सब फ्यूज बल्ब हैं। अब हमारी बात भी सुनिए होम मिनिस्टर साहब, देश बदमाशों गुंडों और दलालों से नहीं चलता है, देश चलता है हम जैसे शरीफ ईमानदार सिपाहियों से। एक हफ्ते के अंदर अंदर जेल सुपरिंटेंडेंट का ऑर्डर कैंसिल कीजिए। ये बुढ़ा तो सठिया गया रे। नमस्ते साहब। सलाम सर।
ले खाना खा ले। जिसने रोटी की इज्जत नहीं की, ललकार सिंह उसकी इज्जत नहीं करता। ओए बोलो। रात 12 बजे होए। आहा, 12 बजे। आइए आइए भवानी प्रसाद जी, ये रात को इस समय बारात लेकर आए हैं। अरे चीफ मिनिस्टर साहब, ये बाराती थोड़े ही है, अरे आपके पुजारी है, आपका सम्मान करने आए हैं भैया। बस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इनसे कहिए कि हमारा मान सम्मान इन फूल मालाओं से नहीं होगा। वो अनाथ बेघर लोगों के लिए कुछ चंदा वंदा दें तो हम मानेंगे हमारा मान सम्मान किया गया। भाई वाह, आपने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली। अरे चीफ मिनिस्टर साहब, ध्यान से देखिए, आपके ये जो पुजारी हैं, हाथ में सिर्फ माला ही नहीं लाए हैं, आपके लिए कुछ जरूरी तोहफा भी लाए हैं। ए भैया, दे दो तोहफा। अरे दे दे। मिनिस्टर साहब की आत्मा को शांति प्रदान करे। चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय सत्य प्रकाश जी, जैसा नाम था वैसा ही उनका काम था। अरे कौन भुला सकता है उस छवि को, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे वो। अरे काश कि हम ये सिर्फ 3 गोलियां नहीं खाते, जब 1, 2, 3 6 गोलियां खा लिए होते, अपनी छाती में छल्ली हो गए होते, हम मर गए होते। हमें गर्व होता अपने ऊपर कि हम सीएम साहब के लिए शहीद हो गए। हम सीएम नहीं बनना चाहता, हमें कुर्सी का मोह नहीं है। अरे अगर हमका कुर्सी का मोह होता तो ऐसे गोली खाते के सीएम को बचाने के लिए। हम सेनानी हूं, सेनानी। हम चाहता हूं कि आप लोगों का लॉटरी निकले, आप लोग लॉटरी निकाले, जो उसका नाम निकले वही बने सीएम। अरे भाई, ये गुंडागर्दी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। हम सब भवानी तुम्हारे साथ हैं। जेंटलमैन, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क का कानून और पुलिस दूसरे मुल्कों की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग और एफिशिएंट हैं। अब उन कातिलों को पकड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने अपनी ऑफिसर नीतू सिंह को मुंबई भेज दिया। हेलो सर, मैं दिल्ली से मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। नीतू सिंह नाम की ऑफिसर इस केस के सिलसिले में बॉम्बे आ रही है।
अंदर अंदर देख। हाँ मैं देखता हूँ। चल समझ रहे थे मैं तुम लोगों से डर के भाग रही थी? नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम में से कोई भी मेरी मर्जी के बिना जिंदा बचे, इसलिए मैंने तुम सबको भगाकर यहां लाकर अंदर बंद कर दिया है। अब तुम लोग यहां से नहीं जाओगे, तुम्हारी लाशें जाएंगी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। मुझे मारने के लिए कितने पैसे मिले थे? कुछ नहीं। बोल। 5 लाख। किसने भेजा तुम्हें? होम मिनिस्टर बीपीएल ने। सीएम मर्डर के वक्त ड्यूटी पर पुलिस ऑफिसर कौन था? मैडम उन्हीं के पार्टनर मिस्टर एसपी वाघमारे। पार्टनर? मैडम डिपार्टमेंट के सभी करप्ट ऑफिसर्स को होम मिनिस्टर साहब अपने धंधे में पार्टनर बना लेते हैं। वो सब तो ठीक है मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है होम मिनिस्टर से उलझने से पहले आप 10 बार सोच लीजिए। मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आप लोग ईमानदारी और वफादारी से मेरा साथ दीजिए, कामयाबी हम हासिल करके रहेंगे। जी आप? मैं सीबीआई ऑफिसर नीतू सिंह दिल्ली से। मैं जरा साहब से बात कर लेता हूँ। सर वो एक सीबीआई ऑफिसर दिल्ली से आई है, आपसे मिलना चाहती है सर। तो क्या हम उनसे डरते हैं? ऊपर भेजो उसको। यस सर। क्या हुआ साईं? सीबीआई की अफसर आई है सीएम के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या करेगी? कुछ नहीं, आपको पकड़ लेगी। वेलकम मैडम। मैडम नमस्कार, आप आई है सीएम साहब के मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के। मैडम सीएम साहब बहुत ही नेक, बहुत ही पूजनीय इंसान थे और सबसे बड़ी बात हमको बहुत करीब थे। उनके जाने से हम टूट गया हूँ मैडम। देखिए आपका ये भाषण हम टीवी पर देख चुके हैं और सुन चुके हैं, आप ये बताइए कि इस केस में आप हमारी कहां तक मदद कर सकते हैं? मदद? मैडम हम अपना जान दे सकता हूँ, सत्यप्रकाश जी के कातिलों को पकड़ने के लिए जमीन और आसमान हम एक कर सकता हूँ, लेकिन मैडम हम जानना चाहता हूँ कि आप आने का तकलीफ काहे की है? अरे आप तो जानती हैं हमारे स्टेट का पुलिस फोर्स पूरी इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। हाँ लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करें? माफ कीजिएगा, हम आपका जुमला कुछ समझा नहीं। हम समझा देंगे, वो कहने की ईश्वर की असीम कृपा से जो काम हम अपने हाथों में लेते हैं उसमें कामयाबी हासिल कर ही लेते हैं। सच, आप देखिए 90 दिनों में आपके दोस्त सीएम के कातिल को हम आपके पास ले आएंगे। अरे वाह 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 वाह। आपका कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि कातिल आप ही की जेब में है। जेब में ना सही लेकिन बहुत करीब है। मेरा मतलब है कि अब आपका साथ हो ही गया है तो कातिल हमसे बचकर कहाँ जाएगा? हाँ जी कहाँ जाएगा। चलो। हाँ जी हाँ हैंडशेक। नमस्कार। मैडम कुछ चाय पानी कुछ? अब चाय कहाँ, मैडम तो आपका बीन बजा के चली गई। माँ नीतू तू आ गई? वो लोग कौन थे माँ? ये तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग थे, मेरे मना करने के बावजूद ये पार्सल रख गए। मेरे डिपार्टमेंट के लोग? हाँ बेटी। हेलो, होम मिनिस्टर भवानी प्रसाद लल्ला बीपीएल बोल रहा। ओ भवानी प्रसाद उर्फ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, हमारे घर पहुंचने से पहले आपका तोहफा हम तक पहुंच गया।
ये तो हमारा स्टाइल है मैडम। वो कहा है कि आपका जो अंदाजे बयां है वो बीपीएल को बहुत पसंद आया, हम बहुत खुश हुए, इसलिए आपके लिए प्रसाद का एक छोटा सा तोहफा हम भेज दिए। जरा नवाजी का शुक्रिया, इतने ही मेहरबान है तो एक और मेहरबानी हम पर कीजिए और अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। क्या मतलब? मतलब समझाने की हमें जरूरत नहीं है, दोबारा भूल से भी ऐसी गलती मत करना, वरना हमें भी आपके लिए एक तोहफा भेजना पड़ेगा जिसमें आपके खूबसूरत हाथों के लिए हथकड़ी होगी। और हाँ, अपनी कलाई का माप जरूर भेजना, आगे हम समझ लेंगे। फोन रखते हैं हम। आइए माजी, संभल के। फातिमा बहन, फातिमा बहन। शांति बहन, तुम कब आई? हमें खबर कर ली थी तो हम तुम्हें स्टेशन लेने आ जाते ना। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि खबर करने को वक्त ही नहीं मिला। आइए ये बैठिए ना, संभल कर आराम से। ऑफिस के किसी काम से नीतू को यहाँ आना पड़ा, इसीलिए आ गए। अच्छा अच्छा, कैसी है नीतू बिटिया? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी सीबीआई ऑफिसर बन गई है। अल्लाह बड़ा है, तुम जैसी माँ की बिटिया को तो बड़ी अफसर ही बनना था। और आप बताओ, रसिया कैसी है? अच्छी है, कॉलेज गई है। अच्छा, और बेटा हमारा कैसा है? क्या हुआ बहन, आप खामोश क्यों हो गए? बताइए ना, हमारा हुसैन कैसा है, कहाँ है वो? ना किए हुए गुनाह की सजा काट रहा है मेरा बेटा। जमाना ही बदल गया है बहन, चारों तरफ खून खराबा, लूट मार, ईमानदारी और वफादारी का तो नाम ही नहीं रहा। पर तुम फिक्र ना करो बहन, मेरी नीतू बहुत बड़ी अफसर है, मैं उसे कहकर हमारे हुसैन को छुड़वा लेंगी। और कितने एहसान करो कि तुम मुझ पर, दोस्ती और भाईचारे के बीच में एहसान की बात करके मुझे अपनी नजरों से मत गिराओ। तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो बहन, तुम्हारी कुर्बानी भाईचारे की मिसाल है। काश की बात इस देश के हर हिंदू और मुसलमान की समझ में आ जाए। वो दिन भी जरूर आएगा, खुदा करे ऐसा ही हो। जरूर होगा। कहिए। मैं नीतू सिंह हूँ, दिल्ली से आई हूँ। मेरी माँ और आपकी माँ बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं। आप शांति मौसी की बेटी हैं? जी हाँ। अम्मी जान अक्सर आप लोगों का जिक्र किया करती हैं। हमारे घर में भी अक्सर आप लोगों का जिक्र होता है, बहुत तारीफ करती है मेरी माँ आप लोगों की। जानते हैं जब माँ बम्बई आई तो सबसे पहले अम्मी जान से मिलने गई आपकी, और माँ को बहुत अफसोस हुआ आपके बारे में सुनकर। मैं आपके दुख में शरीक होना चाहती हूँ, कुछ बताएंगे आप? बताने को रही क्या गया है, जितनी सजा थी कट गई, अब तो रिहाई का वक्त है। भवानी प्रसाद के बारे में क्या जानते हैं आप? उसके साथ तो बहुत लंबा हिसाब है। फॉलो मी। एक एक ट्रक को अच्छी तरह से चेक करो, जल्दी चेक करो, अच्छी तरह से चेक करना। क्या बात है इंस्पेक्टर? खबर मिली है कि ट्रकों में भरकर हथियार ले जाए जा रहे हैं। चेकिंग चेक। ये तो रोज का लफड़ा है, करे कौन भरे कौन।
चलो जल्दी से कर लीजिए, हुसैन अपने वक्त का पक्का है। क्या बात है इंस्पेक्टर? सर, खबर मिली है कि ट्रकों में भरकर अवैध रूप से हथियार ले जाए जा रहे हैं। वो खबर गलत है, मलाड में ट्रक पकड़ी गई है, जाने दो इन्हें। नहीं सर, ये इन्फॉर्मेशन पक्की है, इन्हीं में से किसी एक ट्रक में हथियार भरे हुए हैं सर। मैंने कहा मुझे, मैंने कहा ना यहाँ कोई हथियार नहीं है। सर मुझे चेक तो कर लीजिए। दिस इज माय ऑर्डर, जाइए आप। सर जाइए आप। सलाम सर। जाइए। कुछ तो गड़बड़ है। बोल रहा हूँ भवानी भाई, बागमारे बोल तो है। क्या बात है बागमारे? तेरा हथियारों से भरा ट्रक चेक पोस्ट से पार करवा दिया मैंने। फिर तो नो प्रॉब्लम, तुम्हारे कमीशन का 5 लाख तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। बोलो। जो ट्रक निकलवाता है उसका 5 लाख, लेकिन जो जिंदगी को दांव पर लगाकर ट्रक को पहुंचाता है उसका कितना? का मतलब? आज पता चला भवानी कि तू जितना ऊपर से काला है उसे कहीं ज्यादा तू अंदर से काला है। गेहूं की गोनियों में बंदूकें, आटे की गोनियों में RDX, मोटर पार्ट्स के डब्बे में हैंड ग्रेनेड्स, मौत की सौदागरी का सबसे बड़ा दलाल निकला तू। इसका मतलब है हमारी जनपत्री तुम देख ही लिए। चलो ये भी अच्छा हुआ हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं है, मिल बांट कर धंधा करेंगे। गुड लक का 5 लाख तुम भी थामो। ये तो आज का हिसाब हुआ। 6 साल की नौकरी में तूने हुसैन से अनजाने में ना जाने कितने हथियारों की तस्करी करवाई, बारूद के ढेर से ना जाने कितने लोगों की हत्या हुई, औरतें कितनी विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, उन सब बेगुनाहों की जिंदगी की कीमत कौन चुकाएगा? अबे अंगुली दिया तो पोछा पकड़ता है, एक गोली तेरे कनपटी पर धरेंगे बिना आवाज के ढेर हो जाएगा। 22 रुपए में काम तमाम। मुझे तो 22 भी नहीं खर्चने पड़ेंगे, हुसैन का एक घूसा और तेरी खोपड़ी के 22 टुकड़े। इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगा, इसी बारूद के ढेर से तेरी चिता चलेगी। हथियारों से भरा हुआ ट्रक मैं पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं। भगवारे हमारी बात सुन ध्यान से। चल चल चल। अल्लाह क्या होगा? तुम फिक्र मत करो खाला, हुसैन भाईजान अभी आते ही होंगे, रजिया को कुछ नहीं होगा। हुसैन, अमीजान, अमीजान, क्या हुआ अमीजान? हाँ, अब रो क्यों रही हैं? क्या बात क्या है? बेटे तेरी बहन को गुंडे उठाकर ले गए। गुंडे? Oh!
साहब हमें परेशान मत कीजिए, हम तो वैसे भी रात भर से परेशान हैं। परेशान तो तुम लोगों ने कर रखा है। नहीं साहब, आपको गलत फहमी हो गई है, हम तो ईमानदारी और सच्चाई की जिंदगी जीने वाले गरीब लोग हैं साहब। बकवास बंद कर, हमें अपना काम करने दो। साहब साहब ये देखिए AK-47 मिली है। क्या है क्या है? अल्लाह जानता है, हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम, ईमानदारी और खुददारी की जिंदगी जीते हो। सच्चाई ये है कि तुम लोग गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करते हो। नहीं, हम पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम नहीं, सच्चाई है ये। तुम लोग अपने मतलब के लिए अपना ईमान बेचते हो, अपना वतन बेचते हो। नहीं, अपनी जुबान को लगाम दो साहब। मैं समझ गया आप लोगों की साजिश को। जिन हथियारों को मैं भवानी प्रसाद की मौत बनाना चाहता था, उन्हीं हथियारों की ढाल बनाकर आप मुझे फंसाना चाहते हैं। ये सब क्या है बेटा? ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। तेरा बेटा देश का दुश्मन है। दंगे फसाद करवाने वालों को ये हथियार सप्लाई करता है। और वैसे भी तुम लोगों के पास है क्या? या तो AK-47 है या इस देश के लिए नफरत है। ASP, ये नफरत तुम जैसे बेईमानों ने अपने स्वार्थ के लिए पैदा की है। हर इंसान पहले हिंदुस्तानी है, फिर बाद में मुसलमान या हिंदू। इस देश की आजादी के लिए जितना खून हिंदुओं ने बहाया है, उतना ही खून मुसलमानों ने बहाया है। अरे बंद कर ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांटने का खेल। क्योंकि जिस दिन इस जनता को ये खेल समझ में आ गया ना, उस दिन तुम्हें अपना सर छुपाने के लिए ये जमीन भी कम पड़ेगी। अगर अब भी तुम एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो जाकर अरेस्ट करो उस भवानी को जिसके तुम दलाल हो। तमाम गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम हुसैन अवैध हथियारों का धंधा करता है। लिहाजा ये अदालत मुजरिम हुसैन को 5 साल की सेक्शन 25 आम सेक्ट के तहत बामुशक्कत सजा देती है। Now the court is adjourned. देख लिया भवानी प्रसाद लल्ला से टकराने का अंजाम। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। खुदा हाफिज। इंस्पेक्टर वर्मा, जी कहिए। मैं CBI ऑफिसर नीतू सिंह। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आपको गोली लगी, इस बात का बहुत अफसोस हुआ। ताज्जुब है आजकल पुलिस वाले ही पुलिस वालों पर गोलियां चला रहे हैं। वो सब ठीक है, मगर आप मेरे पास क्यों आई हैं? CM मर्डर केस के चश्मदीद गवाह हैं आप, और फिर आपके साथ भी तो ज्यादती हुई है। क्या किया है पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे लिए? अरे मेरे पति को गोली लगी, कोई पूछने भी नहीं आया। हाँ मैडम, आप जाइए मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हमारे पर रहम कीजिए। मैडम प्लीज, मैडम इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। मैडम प्लीज, आप जाइए प्लीज, मैडम हम पर रहम खाइए। बस करो मैडम, ठहरिए मैडम। CM का मर्डर होम मिनिस्टर भवानी प्रसाद की साजिश थी। और तुम पर गोलियां किसने चलाई? SP वाघमारे ने। थैंक यू वेरी मच।
मर्यादा में रहकर बात करो ऑफिसर, हमारी पोजीशन भी तुमसे कम नहीं है। आपकी पोजीशन का ख्याल करके ही मैं आपसे अदब से बात कर रही हूँ, वरना। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, घबराइए नहीं, बैठ जाइए। तरस आता है आप पर, हर सबूत है मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वाघमारे साहब। अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए, इसी में आपकी जितनी पावर तुम्हारे पास है ना, उतनी मेरे पास भी है। अगर हम लोगों को उनके ना किए हुए गुनाहों की कानूनी सजा दिलवा सकते हैं, तो अपने आप को कानूनी दावपेच से बचाना बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी लोगों को फंसाने में हम माहिर हैं, इसलिए हमसे टकराना नहीं, वरना दिल्ली से जिंदा आई हो कफन बॉक्स में लाश भिजवा दूंगा। खराब हो गया का? अरे जिसकी तुम बात कर रही हो वो बहुत ही ईमानदार, होनहार और अच्छा अफसर है हमारी स्टेट का, वो काहे मारेगा इंस्पेक्टर को भाई? क्योंकि इंस्पेक्टर वर्मा सीएम मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था। ठीक है, वो इंस्पेक्टर मर गया, उसका कत्ल हो गया, उसको किसी ने मार दिया, लेकिन जरूरी थोड़े ही है कि बाघ मारे ने उसे मारा है? सर, सारी वारदात मेरी आंखों के सामने हुई है, कोई और उसे क्यों मारेगा? ए मैडम, EBPL भवानी प्रसाद लल्ला का स्टेट है, कोई तुम्हारा दिल्ली नहीं। यहाँ पर तुम मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बनकर ही रहो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। और एक बात सुन लो, ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना कि तुम्हारे कंधों पर और तमगे लगाओगी, वो भूल जाओ, वरना जो तमगे लगे हुए हैं वो भी उतर जाएंगे और तुम्हारी वर्दी को तुम्हारा कफन बनाकर तुम्हें शमशान पहुंचा दूंगा हम। और नीतू सिंह जब कोई मिशन पर निकलती है तो कफन अपने साथ लेकर चलती है, या तो दुश्मन को पहना देती है या खुद पहनकर देश पर शहीद हो जाती है। चीफ मिनिस्टर का खून आपकी साजिश थी, क्योंकि आप सीएम बनना चाहते थे। ए सटा खामोश, बहुत बोल ली तू, अब मेरी बात सुन। तेरे उस स्वर्गीय सीएम को किसने मरवाया? हमने, भवानी प्रसाद लल्ला ने मरवाया। अब कर ले जो तू करना चाहती है, लेकिन एक बात याद रख, अपनी अम्मा को जरूर बता दियो, जो पहले ही अपने देशभक्त पति को खो चुकी है, कि बहुत जल्द वो अपनी इस औलाद से भी हाथ धोने वाली है। Now get out. I will get out, but I will also get you hanged for this. Challenge. 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 कौन? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मैं विक्रम, आपकी बेटी के साथ ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा, मगर वो तो घर पे नहीं है। जानता हूँ माँ जी, वो दिल्ली गई हुई है। अरे आपकी बेटी तो बहुत होनहार ऑफिसर है, सीएम मर्डर की गुत्थी तो उन्होंने यूं सुलझा दी। हाँ, वो इसी सिलसिले में दिल्ली गई है, कह रही थी कि सीएम मर्डर के कातिल का पता चल गया है। मगर एक बात तो बताओ कि ये भवानी प्रसाद खुद सीएम क्यों नहीं बना? इसमें भी उसकी चालाकी है सर, वो अच्छी तरह जानता है कि अगर वो फॉरेन सीएम बन गया तो मीडिया और कानून उसे जीने नहीं देगा, इसलिए उसने अपने मामूली से आदमी को सीएम बना दिया, सिर्फ इसलिए कि कलम उसकी चलती रहे लेकिन स्याही भवानी प्रसाद की हो। बेटे, तुम चाय पियोगे, कॉफी पियोगे? नहीं माँ जी, बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। अच्छा, मैं लाती हूँ। सर, मैं बहुत जल्द भवानी प्रसाद और उसके साथियों को कानून के सामने एक्सपोज कर दूंगी। आइए माँ जी। लो बेटा, लो। वाह, क्या रंगरेलियां मनाई जा रही हैं? कौन? ये सब क्या हो रहा है? कौन? ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? शर्म नहीं आती हा? कानून के रखवालों की मां होकर एक मुजरिम से इश्क फरमा रही है, वो भी इस उम्र में? क्या बकवास कर रहे हैं आप?
कौन है आप? एसपी वाघमारे। और मैडम, जिस आदमी से आप इश्क फरमा रही हैं वो जेल से भागा हुआ मुजरिम है। पता नहीं कितने जुर्म किए हैं इसने। ले चल इसे, चल अब। ए, क्या? चल। सुनिए, सुनिए। माजी, माजी। हाँ? वो अपनी नीतू सिंह मैडम है ना, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं नीतू सिंह से कुछ सवाल पूछने से पहले अदालत के सामने कुछ सबूत, कुछ गवाह पेश करना चाहता हूँ, जिसे देखने और सुनने के बाद अदालत बहुत जल्दी अपने नतीजे पे पहुंच जाएगी। मेरा पहला गवाह है टाटिया। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भाई, कितनी बार जेल जा चुके हो? कुछ याद नहीं, गिनती थोड़ी करता हूं। हाँ, बराबर है। एक दो बार गया तो आदमी गिनती कर सकता है, जिनका रोज आना जाना है उनको गिनती कहाँ याद रहेगी। ये सब काम जिसे आप गुनाह समझते हैं, ये मेरा धंधा है। जिंदगी में कभी हमारा भी ऐसा काम पड़ा तो करोगे? करेंगे साहब, मगर इसके लिए आपको हमारे पार्टी हाईकमान से बात करनी पड़ेगी। कौन है तुम्हारा हाईकमान? पार्टी हाईकमान कौन है ये तो मैं नहीं जानता, मगर मेरा हाईकमान वो है सामने, कैप्टन नीतू सिंह। हाँ तो बताओ कि तुम नीतू सिंह के परिवार में किस किस को जानते हो? इनकी माँ को जानता हूँ, और जब भी पुलिस से बचना होता है तो मैं इनकी माँ के पास चला जाता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठहरिए वकील साहब, इतनी भी जल्दी क्या है, कुछ हमें भी बोलने का मौका दीजिए। योर ऑनर, मैं टाटिया से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। टाटिया, तुम एक्टर तो बहुत अच्छे हो और बड़ी अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हो, अब ये बताओ कि एक्टिंग करने के लिए तुमने कितने पैसे लिए थे? मैंने ड्रामा नहीं किया, जो कुछ भी कहा सच कहा। सच नहीं, झूठ कहा है तुमने। योर ऑनर, यह आदमी पेशावर मुजरिम है, चोरी डकैती लूट खसोट हत्या अपहरण ये इसका पेशा है और जेल से भागा हुआ मुजरिम है। ऐसे आदमी की गवाही कोई अहमियत नहीं रखती, ये पैसे की खातिर एक नहीं 1000 झूठ बोल सकता है। मैं अपने मुअज्जिज़ दोस्त से दरख्वास्त करूंगा कि अगर इनके पास कोई ठोस सबूत हो तो अदालत के सामने पेश करें। एक नहीं कई सबूत है, कई सबूत है। मिलॉर्ड, मैं पुलिस ऑफिसर वाघमारे को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ जी एसपी साहब, आप स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी के चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज थे और आपने हत्यारों को गिरफ्तार भी किया था, तो आप अदालत को बताएंगे कि हत्यारों को कैसे और कहां गिरफ्तार किया था? योर ऑनर, ये जो औरत नीतू सिंह कटघरी में खड़ी है असली मुजरिम यही है। लेकिन आपके इस बात को अदालत कैसे मानेगी? हमारे वकील दोस्त कैसे मानेंगे कि ये बात सही है? कोई सबूत है आपके पास? सबूत है वकील साहब, और बहुत ही ठोस सबूत है। तो काराम, योर ऑनर, यह है वो पिस्तौल जिससे स्वर्गीय मुख्यमंत्री साहब की हत्या की गई, और यह है वो रिपोर्ट जिससे यह साबित होता है कि हत्या इसी पिस्तौल से की गई। योर ऑनर, इस पिस्तौल पर मिले हुए उंगलियों के निशान इस औरत के साथी आतंकवादी टाटिया के हैं, जिसे इसके घर से गिरफ्तार किया गया। प्लीज। एनी क्वेश्चन? एसपी साहब, ये बताइए कि जब आपने नीतू सिंह के घर से टाटिया नाम के टेररिस्ट को गिरफ्तार किया जी, तो क्या उस वक्त नीतू सिंह घर में थी? जी हाँ, वो दिल्ली में थी जी। इसका मतलब ये है कि वो शहर में नहीं थी, और आप ये भी जानते हैं कि उसकी माँ अंधी है। जी हाँ,
योर ऑनर, माँ के अंधेपन का और नीतू सिंह के घर में ना होने का फायदा उठाकर एक मनगढ़ंत कहानी को हकीकत का रूप देने की कोशिश की जा रही है। आप तशरीफ रखिए। जी, थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं शांति देवी को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। शांति देवी, आपके घर से जिस टाटिया नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसके बारे में आप कुछ जानती हैं? मैं कुछ नहीं जानती। तो फिर ये आदमी आपको कब और कहां मिला? वो नीतू से मिलने हमारे घर आया था। घर आया था इसलिए इंसानियत के नाते मैंने उसे पानी पूछा। मैं पानी लाने अंदर ही गई थी कि पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। योर ऑनर, शांति देवी के अंधेपन का फायदा उठाकर इनके घर में टाटिया को भिजवाना, पिस्तौल रखवाना और टाटिया से ये कन्फेस कराना कि नीतू सिंह ही चीफ मिनिस्टर के हत्या की जिम्मेदार है। ठीक है, ऐसा हो सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मिलॉर्ड, मैं शांति देवी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। शांति देवी जी, अभी अभी आपने कहा कि टाटिया आपके घर नीतू से मिलने आया था। जी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको बिठाने की क्या जरूरत थी? जी नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि उसको प्यार से बिठाने की, पानी पिलाने की क्या जरूरत थी? कहीं आपका और उसका Stop this nonsense! बहुत हो चुका। अब तक मैं कानून के नाम पर चलने वाली इस नौटंकी को देखती रही, लेकिन अब मैं इस केस को पूरी तरह जान गई हूं और अच्छी तरह समझ भी गई हूं। मुझे ये भी मालूम है इस केस का फैसला क्या होगा। लेकिन जज साहब, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूंगी कि आपके इस फैसले से सीएम मर्डर केस की फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जज साहब, अफसोस इस बात का नहीं है मुझे कि मुझे सजा होगी। सजा तो मैं काट लूंगी। हाँ, अफसोस इस बात का जरूर रहेगा कि असली मुजरिम कितनी आसानी से कानून को धोखा देकर बाइज्जत बरी हो जाएगा। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। पूरी तरह से फंस गई। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह साबित होता है कि चीफ मिनिस्टर सत्य प्रकाश की हत्या टाटिया ने की है। लिहाजा यह अदालत मुलजिम टाटिया को हत्या के जुर्म में जेरे दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। जिस हथियार से हत्या की गई वह हथियार नीतू सिंह के घर से बरामद हुआ है, और मुलजिम टाटिया के बयान से साफ जाहिर होता है कि नीतू सिंह भी उस हत्या में शामिल थी। लिहाजा यह अदालत नीतू सिंह को मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। मैं नीतू की माँ बोल रही हूँ। हाँ भाभी जी, नीतू के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं खास तौर से दिल्ली से इसी काम के लिए आया हूं। मैं नीतू को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप हिम्मत से काम लीजिए, आप तो बहुत ही बहादुर बेटी की मां हैं। अच्छा, नमस्ते। हेलो हेलो, न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी।
इस वक्त यहाँ? तुझ पर तरस खाकर यहाँ पर आया हूँ। अफसर से अफसर की वफादारी निभाने आया हूँ। वफादारी की बातें गद्दारों के मुँह से अच्छी नहीं लगती। अब तो तुम्हारी गालियां भी मुझे फूल जैसी लगती हैं। खूबसूरत हो, जवान भी हो, जेल में पड़ी पड़ी सड़ जाओगी। पानी के बिना जिस तरह पौधा मर जाता है ना, ऐसे तुम मर जाओगी। अरे अपने बाग का माली बना ले मुझे, सींच सींच के हरा भरा रखूंगा वे। इस वक्त तुम शराब के नशे में धुत हो, अपने होश में नहीं हो। जब होश में रहोगे ना तो मुझे बोलने में मजा आएगा और तुम्हें सुनने में। इस वक्त चले जाओ यहां से। मैं यहां से जाने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए आया। और जो चीज हमें प्यार से हासिल नहीं होती ना, उसे हम छीन लेते हैं या फिर उसे मिटा देते हैं। ओए हमें मिटने की नहीं, मिटाने की आदत है। पानी बंद करो। मंत्री जी। हाँ बोलता हूं। नीतू सिंह के देखिए अभी हम बहुत बिजी लगता हूं, रखता हूं। अरे देखा दिलरुबा दिल्ली वाली, भवानी प्रसाद लल्ला का पावर। अरे तू तो 90 दिनों के अंदर सीएम के किलर का पर्दाफाश करने वाली थी। लेकिन हमने तो 9 दिन में, सिर्फ 9 दिन में तुझे ही किलर साबित कर दिया। जब से तू इस जेल में आया हुए, हमेशा कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई हंगामा, और आज तो तूने हद कर दी, पुलिस वाले पे हाथ उठा दिया हुए। मैं अपना हाथ दो ही वक्त उठाता हूँ, दुआ के लिए जो मेरा ईमान है, और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए जो मेरा इश्क है। और इश्क करने से आप क्या समाना भी किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन कानून तुझे रोकेगा और तेरे इश्क की तुझे कड़ी से कड़ी सजा भी देगा। साडा ना जेल ललकार सिंह है, जुल्म की ऐसी आग बरसाऊंगा कि जलकर धुआं हो जाएगा। ओए ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मेरी बात मानिए, एक गिलास ठंडा पानी मंगवा कर पी लीजिए। मेरी बातों को मजाक में उड़ाने की कोशिश न कर, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी देता हूं, और अपने इश्क को काबू में रख, नहीं तो मैं तेरे जेल का रिकॉर्ड खराब करके तेरी सजा दुगनी करवा देंगा। ओए तू तो हर रोज मेरी सजा खत्म होने की दुआ करता है, मेरे यहां से जाने के बाद मेरे यहां ना आने की दुआ करता है। सजा क्या दुगनी करेगा? अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो मैं तेरा नामो निशान मिटा देंगा। ओए मेरा मुहाफिज है खुदा, तो फिर है कौन जो मुझको उठा सके? तेरी क्या औकात है जो जहां से मुझे मिटा सके? खुदा हाफिज। अरे क्या कर रहे हो भैया? अगर पुलिस वाला टाइम पर नहीं पहुंचती तो हम लोगों की तो खटिया खड़ी हो जाती, बर्बाद हो जाते भाई हम। अरे उसने यार यहाँ पे टाटिया की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख के सब कन्फेस करवा लिया। ये नीतू सिंह तो सीएम मर्डर केस का पर्दाफाश करके रह गए। नीची आवाज में बोलो भाई, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे सीबीआई की आला ऑफिसर है वो, कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएगी वो। ठीक है फिनिश कर दो उसको,
अरे गोली मार दो ससुरी को, कहना कि जेल से भाग रही थी। अरे भाई तू तो जेल का मालिक है, एक बात बता, वो टटुआ उसके काबू में कैसे आया? हुसैन की वजह से। हुसैन? अरे वही हुसैन जो तेरी जान का दुश्मन है। ओए हुसैन, हुसैन, मुझे तो 22 भी नहीं खर्चने पड़ेंगे, हुसैन का एक घूसा और तेरी खोपड़ी के 22 टुकड़े। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। ये लीजिए। अल्लाह खुश रखे। नूरहीमे आप भी लो। चाची आज का दिन तुम कभी नहीं भूलती। कैसे भूलेंगी, आज हुसैन का जन्मदिन जो है। आप सब मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह सलामत रखे आपके बेटे को। आमीन। हुसैन भाई तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया। मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तू कोई डॉक्टर तो है नहीं जो उसे अच्छा कर देगा, फिर मिलने से क्या फायदा होए? ललकार सिंह जी, मेरी बहन मुझे देखते ही ठीक हो जाएगी, मुझे जाने दीजिए। क्यों तेरी गरजती हुई आवाज क्यों कांपने लगी? अब तो तू गिड़गड़ाएगा, हाथ पैर भी जोड़ेगा, मेरे तलवे भी चटेगा। ओए फिर भी मैं तेनू बार नहीं जान देंगा। चिलर साहब, चिलर साहब, वो मेरी बहन है, अगर कहीं उसे ओ तू कुछ भी कर ले, मैं तेनू बार नहीं जान देना। चिलर साहब आप बेशक मेरे साथ दो कांस्टेबल भेज दीजिए। मैं दो नहीं चार भेजूंगा तेरी बहन का जनाजा उठाने के लिए। सर, जब से जेल में आया है हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, जेल और जेलर को खिलौना समझता है।
खिलौना तो अब इसकी जिंदगी बनेगी। इसी के खून के साथ इसकी दास्तान लिखूंगा। ऐसा सलूक करूंगा कि ये फिर किसी जेलर के साथ पंगा नहीं लेगा। ओए दाएं से शुरू करूं या बाएं से? चमड़ी खींचने से पाने की क्यों हुसैन, कैसा लग रहा है? लोगों का बड़ा मददगार बन रहा था है? अब देखता हूं तेरी बहन को कौन बचांदा है। ओए अल्लाह बचाएगा। डॉक्टर साहब, ऊपर वाले के करम से सब ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इसे मत छूना, ये कैंची है, सीजर है, लग जाएगी। नहीं नहीं, इससे तुम्हारा ऑपरेशन कर। मेरा ऑपरेशन? हाँ, तुम्हारे बेटे ने बोला तुम्हारा ऑपरेशन कर दूं जल्दी। बहुत रो रहा था फोन करके, बोला ठीक है तुम्हारा ऑपरेशन कर दूं। मेरे बेटे ने ऐसा कहा? अरे बाबा तुम्हारा ऑपरेशन है। नहीं नहीं, अभी फोन आया था तुम्हारे बेटे का। चलो, अरे पकड़ो इसे, पकड़ो, अरे अरे पागल है ये, पकड़ो इसको, ऑपरेशन, अरे पागल, पकड़ो उसको, डॉक्टर का ऑपरेशन करना है मुझे, अरे पकड़ो इसको, क्या कर रही है, पकड़ो, पागल है ये, पकड़ो, अरे आप काहे बोल रहे हैं? अरे हमको चिंता है ना, अरे हमको, अरे हम मर गए क्या? अरे आप ऐसा ही बोलते रहते हो। सर आपका अर्जेंट फोन है। अर्जेंट फोन है? हम बोलता हूँ सर, मैं आपका सेवक हेमंत सिंह बोल रहा हूँ। भाई नीतू सिंह भाग गई है हॉस्पिटल से। हाँ? आप लोग जाइए जाइए जाइए। अरे क्या बोल रहे हो भाई, बाघ मारे किधर है? बैरेज बाघ मारे, बाघ मारे, हम बीपीएल बोल रहा हूँ। बोलो बीपीएल। वो ससुरी भाग गई है हॉस्पिटल से। क्या? जहाँ पर भी मिले उसे गोली मार दो, गोली मार दो। अरे भाई पांच चार सर, भैया ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कहे नहीं पहुंचा अभी तक? नहीं सर, वो तो जिंदा है। क्या? वो अभी तक जिंदा है? अरे जिंदा आदमी का कहीं पोस्टमार्टम होता है, फिर कर दो उसे। अरे सर जिंदा आदमी को कैसे मार दूं? अरे सुनो, हमने सोचा है कि हम तुमको मेडिकल फैकल्टी का हेड बनाऊंगा। मुझे नहीं बनना है सर। 10-15 लाख भी दूंगा। जी नहीं। ए पांचाल, रीत से काम करना है तो कराओ, नहीं तो रीत से काम करवाना हम जानता हूं। जी जी, समझ गया सर, समझ गया। मैं सीबीआई चीफ सावंत हूं। कानून और इंसानियत की हिफाजत करना तो डॉक्टर का सबसे बड़ा धर्म होता है। Thank you.
शाबाश आई थी मुझे गिरफ्तार करने। अरे भाई राम सिंह, ये ले मिठाई। करीम मिया, न होली है न दिवाली, ये लड्डू किस खुशी में? खुदा का नेक बंदा हुसैन आज जेल से रिहा हो रहा है, ले एक और डबल मिठाई खा। हुसैन आज तू जेल से रिहा हो रहा है, मुबारक हो। जब तक दिल नहीं मिलते हम हाथ नहीं मिलाते। दोस्ती के नाते ना सही, दुश्मनी के नाते हाथ मलाला। वे सोच ले, जब मैं दुश्मन के साथ हाथ मिलाता हूं तो उसके हाथ की जीवन रेखाएं ही मिट जाती हैं। ओए मेरे जाने के बाद बेबस कैदियों पर जुल्म मत ढाना। ये तेरा मशवरा है या धमकी? जो भी है इसे अपने कोल रख। बाकी रही कैदियों की बात, यहां का हर कैदी मेरी मर्जी से जिएगा और मरेगा। ओए तो तुम उनके खुदा बनना चाहते हो? बनना चाहता हूं और खुदा बनूंगा भी। दिल उनका होगा लेकिन उनकी धड़कनों पर मेरा कब्जा होगा, और मैं ये भी फैसला करूंगा कि कौन कैसे जिए, कब तक जिए, मरे तो कैसे मरे। ओए जेलर, एक बात याद रख, तो जैसे खुदाओं के चेहरे की आरती नहीं उतारी जाती, चेहरा ही उतार लिया जाता है। जिस तरह लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांगते हैं ना, उसी तरह मैं तेरे चेहरे को जेल के दरवाजे पर टांग दूंगा, ताकि फिर कोई राक्षस इस वर्दी में अंदर ना दाखिल हो सके। खुदा हाफिज। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे। ओए ओए तू जा यार, जा। या अल्लाह, आज ईद का मुबारक दिन है, हर घर में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन ये घर उन खुशियों से महरूम है। या मेरे अल्लाह, इससे पहले कि इन आंखों में अपनी औलाद को देखने की रोशनी ही ना रहे, तू मुझे अपने लाल से मिला दे परवरदिगार। आज एक माह तुझसे अपनी नमाज और रोजों का सिला मांगती है, मुझे अपने लाल से मिला दे मेरे अल्लाह। अम्मी जा, अम्मी जा, अब मैं आ गया हूँ। हुसैन, हुसैन, हुसैन मेरा बच्चा, हुसैन मेरे बच्चे। अम्मी जा, तो आ गया, अल्लाह ने मेरी सुन ली, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है मेरे मालिक। तू आ गया। रजिया, कौन है अम्मी? अरे देख तो कौन आया है। अम्मी कौन आया है? भाईजान, 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 भाई, शुक्र है अल्लाह तेरा। सचू, तू रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रही हूँ। नहीं भाईजान, मैं तो इन मोतियों से आपकी नजर उतार रही हूँ। अरे रुला दिया ना इसको, इतने सालों बाद ये घर आया है, इसके लिए कुछ खाने के लिए लाना। जा रही है बेटा। अभी लाई। आ बेटा, यहाँ बैठ। कैसा है तू? मेरे सर पर तो तेरी दुआओं का साया था माँ, पर देख रहा हूं इन 5 सालों में मेरी माँ,
मेरी बहन को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। ये तो उम्र की थकन है बेटा, लेकिन तेरे माथे की लकीरें तेरी दुखों की दास्तान सुना रही है। तेरी आंखें कह रही है कि तू एक रात भी चैन की नींद नहीं सोया। अब तू घर आ गया है, चैन से दो रोटी खा ले, आराम कर। देख लिया भवानी प्रसाद लल्ला से टकराने का अंजाम। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। तू किसे मारने जा रहा है? उसे अमीजान, जिसने हुसैन के माथे पर मुजरिम का दाग लगा दिया। 5 साल में जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि जब मैं जेल से निकलूंगा और उसे उसकी जिंदगी से आजाद कर दूंगा। तो फातिमा का बेटा खून करेगा? हुसैन के नाम के साथ करबला की तारीख जुड़ी हुई है। उन्होंने उन जालिमों को माफ नहीं किया, बल्कि उस जिहाद में खुद शहीद हो गए। मुझे तेरे फैसले पर एतराज नहीं, पर मुझे इतना बता कि तेरे बाद तेरी माँ और तेरी बहन का क्या होगा? फिर भी तू अपनी मन की करना चाहता है तो बेशक जा, मार डाल उस भवानी को, ताकि जिंदगी भर तेरी बहन की हथेली मेहंदी को तरसे और मेरा जनाजा तेरे कंधों को। मैं जानती हूं इन 5 सालों में क्या बीती होगी तुझ पर, क्या कुछ सहा होगा तूने, लेकिन अपना इंतकाम पूरा करने से पहले तुम्हें एक भाई का फर्ज अंजाम देना है। अपनी बहन के हाथ पीले करते फिर मैं तेरे इंसाफ के रास्ते में नहीं आऊंगी बेटा। हुसैन बेटा, अभी गुस्सा छोड़, बहुत सारी जिम्मेदारियां तुझे निभानी है। आ देखो बेटा, तुझे तेरी अम्मी जान की कसम है, जब तक अपनी बहन को डोली में बिठाकर रुखसत नहीं करेगा तू किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। ये ममता की बंदिशों का धागा है। नो, आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? ये तुम्हारी मां नहीं है ना? नो बी फियर। यस मैडम, आपका देश में सीनियर लेडीज के साथ ऐसा बिहेव करते हैं? हमारे देश में बदतमीज लोगों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं? Always spoils my mood this man. Take him away. हाँ मैडम। Irritating. मैडम, अरे क्या तू हरदम आता है और सब कुछ खराब कर देता है? हमने मैडम का दिल तोड़ दिया तो? चुप रहो यार, तुम समझा करो। क्या समझे? यार मैं अंधे हो रहे हो तुम? क्या हो गया? बदला लेने आई है हमसे। बदला लेने बचताओगे तुम? अरे हमारा दिल लेकर गई और तुम यहाँ से जाओ। मैडम, मैडम आप जाइए, आप जहाँ से भी आई आप जाइए। जा रहे हैं, जा रहे हैं। अरे जाइए, आप हमारी मैडम का दिल तोड़ दिया। अरे जाइए, चलो। अरे जाइए मैडम, आप जाइए। को हुसैन के घर छोड़ना ही अच्छा रहेगा। ओह, मैरी, यस मैम। जूली को बोलना पीएम हाउस में फोन करके हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स करने को। ओके ओके। और लंदन से मम्मी का फोन आएगा
तो बोलना, not to worry, I'm absolutely fine here. अरे मैडम, okay. इस समय इतनी रात को आप बुर्का पहन के कहाँ जा रही हैं? Oh God, too many questions. This man is very irritating. Mary, BPL को बोलो, change this security person. I don't want him. मैडम आप नाराज मत होइए, आप यहाँ से अकेली कहीं ना जाएं, ये होम मिनिस्टर साहब का हुक्म है. God, what is this hukum man all the time? सुनो, तुम हमारे साथ किधर नहीं जाएगा, तुम यहाँ रहेगा, हमारा फोन कॉल अटेंड करेगा, हमारे कपड़े को इस्त्री मारेगा और हमारे रोमियो के साथ डिनर करेगा. ये हमारा हुक्म है, अंडरस्टैंड? हेलो. हाँ बोल वागमारे. मिस मेडोना अभी अभी बुर्का पहन के निकली है यहाँ से, लगता है वो हुसैन के घर जाएगी. तू अभी जा उसके पीछे. अरे यार ये भी कोई वक्त है कहीं जाने का? तू सिचुएशन को समझा कर यार. चल ठीक है ओए, चलो. आंटी, नीतू बेटी आओ आओ अंदर आओ. हाँ. क्या बात हो गई, अचानक इतनी रात? दरवाजा खोलो, ओ दरवाजा खोलो. तू इधर से जा. जी सर. तू पीछे से जाना. ओ दरवाजा खोलो. तू क्या बात है जेलर, मेरे बिना दिल नहीं लगा क्या मुझे मिलने मेरे घर तक चले आए? दिल तो वाकई नहीं लगा क्योंकि ललकार सिंह के दरबार से कनीज तेरे घर पे आ गई. ओए मर से तो निपट नहीं सके, अब लड़कियां भी तुझे मार देने लगी है. अपनी औकात में रह के बात कर ओए. आवाज नीची रख, जेल में मैंने तुझे ऊंची आवाज में बोलने नहीं दिया. ये हुसैन का घर है. सर वो भाग गई है. छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? रुको. अरे मैंने क्या किया है? क्यों, बड़ी चालाक और होशियार समझती है अपने आप को? ए, ये किसको पकड़ लाए तुम? लगता वो चलाक हमको चकमा देगी. ओए हेलो सर, मैं नीतू सिंह बोल रही हूँ. हाँ नीतू बोलो. सर भवानी प्रसाद और वाघमारे के अलावा जेलर ललकार सिंह भी सीएम के मर्डर में शामिल है. Are you sure? हाँ, वो ही सबसे बड़ा गुनहगार है क्योंकि उसी ने टाटिया को जेल से भगाने में मदद की थी. तुम उनसे मिली? नहीं, उनसे मैं नहीं मिली सर, लेकिन यहाँ के सीएम से मैं कल मिलने वाली हूँ. अपना ख्याल रखो. हाँ, डोंट वरी सर, आई विल डू माय बेस्ट. नहीं तो आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम्हारी मेहनत और कुर्बानी हमारे डिपार्टमेंट के लिए मिसाल बन जाएगी. थैंक यू सर. सीबीआई ऑफिसर मिस नीतू सिंह और मैडम मेडोना, मेड इन लंदन. मुझसे कपड़े धुलवाए, मुझसे कपड़े इस्त्री करवाए, अपने कुत्तों को मुझसे बिस्किट खिलवाए, मुझसे जूते पॉलिश करवाए. जूते, उन्हीं जूतों से मार मार कर तेरी चमड़ी ना उधेड़ी तो मेरा नाम बागबानी नहीं, देख लूंगा तुझे. नमस्ते साहब. साहब तो घर पे नहीं है. कहाँ चला गया ये? ना तो उसका फोन लगाया है ना वो घर पर है. दूसरे घर पे आप पता कर लीजिए. अरे वो वहां भी नहीं है यार, वो जैसे ही आए उसको कहना बहुत जरूरी काम है, मुझसे बात कर ले. हो सकता है साहब देर से लौटे. अरे वो जब भी आए. जी सर. मुझसे बात करवाओ उसकी. जी सर. बेवकूफ आदमी क्या क्या हरकतें करता रहता है. चलो BPL, ये खूबसूरत नागिन तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर हम सबसे बदला ले रही है. अरे सदा बदला तो तुमने हमसे लिया है, अपने दोस्त से गद्दारी करके हमरे होने वाली धर्म पत्नी को बुरी नजर से देखा तुमने. और तो और ये हमारा इज्जत लूटने का कोशिश किया, और जब हम आपका नाम लिया तो बोला BPL का जिंदगी तो मेरा मुट्ठी में है, मैं उसको सीएम मर्डर केस में फांसी चढ़ा देगा. झूठ बोल रही है ये. ए, बनो मत बाग मारे. ये बात मैडम को कैसे पता कि हम सीएम का मर्डर करवाए? ये बात तो दो ही लोग जानते थे ना, एक तुम और एक हम. बोलो. एक बात तुम भूल गए, BPL का एक उसूल है कि दुश्मन दुश्मनी निकाले उसके पहले ही हम उसको
दिया। कोई मार दिया तुमने? हाँ? हम सब दुश्मन हैं। क्यों किया आप? हमारे खातिर आपका दोस्त का खून कर डाला? अरे मैडम ही तो एक है, आपके खातिर तो हम हजारों दोस्तों को खत्म कर देंगे। Oh, I'm so lucky. Thank you, madam. But अभी इसका क्या होएगा? इसका? मैडम हमारे जो पालतू कुत्ते हैं ना, इसको प्रसाद समझकर नौच खाएंगे। स्टेट में बढ़ती हुई गुंडागर्दी को देखते हुए हम सब लोगों की राय है कि सीएम की कुर्सी आप ही संभाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं संभाल सकता। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते बनना चीफ मिनिस्टर। आओ भाई आओ, जरा इधर तेरे से बात करनी है। आप लोग इधर बैठ करिए। आता ये तुमको कहा हो गया ललकार से? इतना सब लोगों का सामने तुम हमारी बेइज्जती खराब कर दी है, और हम स्टेट का होने वाले फ्यूचर चीफ मिनिस्टर हैं, तुम्हें तमीज है कि नहीं? बीपीएल, मुझे सिर्फ इतना बता, तूने वाघमारे को क्यों मारा? वाघमारे को हमने मारा? किसने कहा तुम्हें? और तू मेरे ना ज्यादा होशियारी ना करो, मैं तेनु अच्छी तरह से जानता हूँ। वाघमारे हमारा दोस्त था, हर जगह वो तेरे लिए खड़ा रहा, तेरा साथ दिया उसने। बीपीएल, मैंने तेरे जैसा कमीना और कुत्ता इंसान नहीं देखा। अब देख लो, देख लिए तुम, हम कुत्ता कमीना हूं, अब क्या करोगे तुम? एक बात याद रखो, हमरे ना पूर्वज कहे हैं कि जूती को जूते रहने दो, सर पे मत चढ़ाओ। हम गलती किए कि हम तुमको इतना बड़ा कर दिए। एक बात याद रखना ललकार सिंह, शुरू में जो तुम हमारे लिए किए हो उसका मुआवजा हम दे चुके हैं, अब फ्यूचर में भी हमारे साथ बनाए रखोगे तो उसमें ही तुम्हारी भलाई है। अभी हम जाता हूँ, कुछ लोग हमारा भेंट कर रहे हैं, चलता हूँ। ठीक कह रही है तुम बीपीएल, पाओ की जूती पाओ में ही रहनी चाहिए, सर पर नहीं। ओए गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे ललकार सिंह तुम बैठो। थैंक यू सर। सर मैंने अपना इस्तीफा डिपार्टमेंट को दे दिया है, उसकी एक कॉपी आपको देने आया था। तुमने ऐसा क्यों किया? सर मैं दौलत और पावर के नशे में अंधा हो गया था, अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है कि मैंने अपनी ड्यूटी और फर्ज के साथ गद्दारी करके बीपीएल जैसे बेईमान आदमी का साथ दिया है। अब कानून मुझे जो भी सजा दे मुझे मंजूर है सर। ललकार सिंह चलो, देर आए दुरुस्त आए, हमें खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। सर बीपीएल बहुत बड़ा मुजरिम है, उसकी हर चाल से वाकिफ हूं मैं, और उसके हर गुनाह का सबूत है मेरे पास। कानून को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं सर। नीतू सिंह है मडोना, भवानी प्रसाद लल्ला और बीपीएल के साथ धोखा। अरे भाई क्या खबर लाए हो? आपका दोस्त है ना ललकार सिंह? हाँ हाँ ललकार सिंह, ललकार सिंह। वो आपका दुश्मन बन गया, कानून से मिल गया। तो हमारा दोस्त हमारा दुश्मन बन गया, कानून से मिल गया? तुम क्या कह रहे हो भाई सेक्रेटरी? हाँ बाबा, मैडोना के चक्कर ने आपको चक्कर में डाल दिया नहीं बाबा? सीएम के खून के, बागमारे के खून के सारे सबूत उसके पास है, बचना बहुत मुश्किल है। अरे गिटवानी तो कभी तो अच्छी खबर लाया कर। हमारे पे गुस्सा करने से क्या फायदा बाबा, ठंडे दिमाग से काम लियो। ठंडे दिमाग से। नीतू सिंह की माँ है ना? नीतू सिंह की माँ? हाँ, वो आपके लिए आखिरी मोड़ा है। आखिरी मोड़ा है? कौन है? चुप बुढ़िया। अरे छोड़ दो मुझे। चल उसको। छोड़ दो मुझे। चल बुढ़िया चल। बचाओ। तुझे पता चल जाएगा। ए माँ जी को ले जा रहे हो? अरे रोको रोको, कोई बचाओ बचाओ। हे भगवान, क्या करूं अब? भाईजान। क्या हुआ? वो भवानी प्रसाद के आदमी नीतू जी की माँ को उठा के ले गए, आप प्लीज जाके उन्हें बचाइए। चल। अम्मी जान। मैं तेरी मजबूरी को समझ रही हूँ बेटा,
लेकिन भाग हुसैन, भाग जल्दी जल्दी मौसी, जल्दी जा बेटा, अपनी माँ को बचा ले। माँ? हाँ, तुझे जन्म मैंने दिया है, पर जिंदगी उस औरत ने दी है तुझे। आज से 20 साल पहले अपनी जान पर खेलकर, अपनी आंखों की रोशनी गवाकर उसने तेरी जान बचाई। मुझसे ज्यादा उसका हक बनता है तुझ पर। हम दोनों उसके कर्जदार हैं बेटा, और मुसलमान अपना कर्ज इसी जन्म में अदा करता है। जिस माँ ने तेरे हाथ पर ये बंदिश का धागा बांधा था, आज वही माँ तुझे इस बंदिश से आजाद करती है। जा बेटा जा, और खाली हाथ मत आना। इस मकसद में अगर तेरी जान भी चली जाए तो तेरी माँ का सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। अल्लाह तेरी हिफाजत करे। कहाँ ले आए हो मुझे? छोड़ दो, छोड़ दो। अब अम्मा आ गई है तो बेटी भी आ जाएगी। ए मजी, बताओ तो जरा आपकी बेटी कहाँ है? अरे अरे संभालो, आप बुढ़िया गिर जाएगी। बुढ़िया तेरा हुसैन, हुसैन, हुसैन। हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। चल। हम तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तो माफ।
अपनी मौत की तरफ भाग रहा है। यहां छुप जाता हूं। ये रोशनी गोली मत मारो भाई। अब तक तुम हम तो आप ही के पास आ रहे थे, अपना गुनाह कबूल करना चाहते थे। हम तो गलती हो गई ना, ये लो इला इला इला, हमको माफ कर दो। हमको मारा बाग मारे को हमने मारा। हाँ मुझे शर्म आती है। अरे इस उम्र में होता है ऐसे, लेकिन जरा दिखाओ ना। क्या दिखाना? शक्ल शक्ल दिखाना। हाँ शक्ल दिखा। दिखाओ दिखाओ ना। दिखाओ दिखा दिखा। देख सारे मुछड़। हे बाबूजी, बाबूजी बाबूजी, रुक तो इधर से, इधर से क्या? साले को पकड़ लिया। अबे अब कहाँ जाएगा? पकड़ लिया। अरे बच्चों, मुझे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अरे वो शंकर के बच्चे को, अबे छोड़ साला, मेरे को मुच्छड़ बोलता है वो। मुच्छड़ मुच्छड़, मुझे माफ कर दो, अब मुझे मुच्छड़ नहीं बोलता तुमको। पार्वती, अरे पार्वती तू कहाँ से आ गई? वो मुच्छड़ पीछे पड़ा हुआ है, चल। अरे तुम मर्द हो या क्या हो? उस मुच्छड़ से इतना क्यों डरते हो? अरे तुमसे कुछ नहीं होता है तो बोलो, मैं उसे निपट लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आना। अरे कहाँ? अरे आ। अरे छोड़ ना। आने दे उस साले मुच्छड़ को, अब सीधा करता हूँ। क्या कर रहे हो? अरे देखती जा तू, मजा आएगा। कहाँ गया ये? अरे शंकर रुक, उसे लेके कहाँ भाग रहा है? अरे भागता कौन है? अबे फिर हाथ पकड़ा तुमने? हाँ पकड़ा, माँ का दूध पिया तो आ गया, बकरी का दूध पिया तो पिछला। अच्छा अभी आता हूँ। हाँ इधर आके दिखा। हाँ अबे बाहर तो आने दे मुझे, तेरे की मोटी कमी है, मुझे कर दे मुझे दफन कर दे। अरे आस्ते आस्ते बाबूजी, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? वो खेत में घास घुस गया था। क्या? हाँ खेत में सांड घुस गया था। क्या घुस गया था? सांड। हाँ बाबूजी, अगर मैं ना होती तो आपके खेत का पूरा घास खा जाता। तो पूरी घास आपने बचाई? आप क्या मेरे खेतों की आजकल रखवाली कर रही हैं? वो तो करनी ही पड़ेगी ना बाबूजी। क्यों करनी पड़ेगी? जी, वो आप कहाँ जा रहे हैं? वो घास, आप चलिए, बहुत घास फूस हो गया, घर चलो, मैं तुम्हारी घास निकालता हूँ। बिल्कुल नहीं, 100 बार कह चुका हूँ, एक बार और सुन लो। पढ़ाई के नाम पे बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ, अब बिल्कुल नहीं करने वाला। अरे शर्म करो, एक एक क्लास में 4-4 साल लगाते हो तुम लोग। मुझे इस साल और पढ़ने दीजिए, इस बार हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आकर दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं अब तुम लोगों पे एक फूटी नहीं खर्च करने वाला, जाके खेतों में काम करो। हम खेतों में काम कैसे कर सकते हैं? तो कुएं में डूब के मर तो सकते हो ना, जाके मरो। पर बाबूजी, बाबूजी। अरे क्या बाबूजी, बाबूजी ये बुड्ढा एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, अब क्या होगा? ये शराब के अड्डे वाला रामू दादा, ये जुए के अड्डे वाला गंगू दादा, ये सब दादा यहीं घुस जाएंगे और कब्र तक नहीं छोड़ेंगे, वहां पर भी घुस के मारेंगे। तू क्या सोच रहा है गधों की तरह? अरे कोई रास्ता निकालना। चुप बैठना था, सोचने दे मुझे। रास्ता ही सोच रहा हूँ। क्या है रास्ता? दद्दू दद्दू आजा। दद्दू क्या बात है? दद्दू हम भी आपके साथ खेतों में काम करने के लिए जाएंगे,
क्या बात कर रहे हो? खेतों में काम और तुम? हाँ। पागल हो गए हो क्या? अरे खेतों में काम करने के लिए तो मैं हूं मैं, तुम लोगों को तो शहर जाके पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, क्या कहते उसे कलेक्टर बनना है, कलेक्टर। दादू आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। क्यों 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 क्यों? वो बाबूजी ने साफ कह दिया है कि वो हमारी पढ़ाई पर एक फूटी कौड़ी भी खर्चा नहीं करने वाले। अरे बाबूजी के कहने से क्या होगा, जितना खर्चा होगा वो मैं दूंगा। बोलो कितना रुपया चाहिए? नहीं भैया जाने दीजिए, आप इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता दादू। अब हम आपको और तकलीफ नहीं दे सकते दादू। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तुम पर। अरे जब तुम पढ़कर आओगे ना तब ये शंकर का सीना दो गज चौड़ा हो जाएगा। तुम पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे। कितना रुपया चाहिए दादू? यही कुछ 50,000 रुपया। सिर्फ 50,000 रुपया? 50,000? ठीक है मिल जाएगा। मिल जाएगा? जरूर मिल जाएगा। भाई हो तो ऐसा जो दे हमें पैसा। लाओ भाई, और ये लो शंकर, पूरे 50,000 गिन लो। शंकर एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने पूछिए भाई, इस साल तुम्हारी फसल भी बहुत अच्छी हुई है और माल भी बहुत ऊंचे दामों बिका है, फिर क्या वजह है जो 50,000 रुपया लिए जा रहे हो? सेठ जी मैं अपने भाइयों को पढ़ने के लिए शहर भेज रहा हूँ। वाह वाह शंकर, भाई तो इस गांव में बहुत हैं, लेकिन जो तुम अपने भाइयों के लिए कर रहे हो ना वो तो कोई भी नहीं। वो मेरे भाई नहीं है, मेरे दो हाथ है, एक दाया एक भाया। अच्छा मैं चलता हूँ, जय राम जी की। जय राम जी की। अरे टाइम हो गया, अभी तक दद्दू आया नहीं। ये गाँव का बड़ा भाई है, तुम्हारी तरह शहर वाला नहीं, वादा किया तो जरूर आएगा। ए छोटो शक्के, ये लो पूरा 50,000 रुपया। पूरा 50,000? दद्दू आपने गिन लिया ना? अच्छी तरह मन लगा के पढ़ना, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, जितना पैसा चाहिए मैं भेजूंगा। दद्दू मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं दद्दू? अरे शुक्रिया क्या, बाबूजी का नाम रोशन करो बस। हाँ बस आ गई, बस आ गई। रोको भाई, चल चल चल। अच्छा दद्दू प्रणाम, पाय लगा दद्दू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो डॉक्टर साहब। अच्छा दादू, अच्छा पढ़ना। नहीं हाँ दादू, चिंता मत करना, वक्त पे खाना खाना। हाँ दादू, तबीयत का ख्याल रखना दादू। हाँ दादू, हर हफ्ते चिट्ठी लिखते रहो, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो, ये दादू है। ए, इतने सारे पैसे देकर अपने भाइयों को कहाँ भेजा है? ए, मेरे भाई शहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, देखना एक दिन वो डॉक्टर कलेक्टर कंडक्टर बनकर आएंगे। कलेक्टर कंडक्टर तत्तर? हाँ। अरे 10 किताब पढ़ने में तो 20 साल लगा दिए, कलेक्टर क्या खाक बनेंगे? ए खबरदार, मेरे भाई के बारे में उल्टा सीधा बोले तो खींच कर मारूंगा मैं। खींच कर मारूंगी। हाँ देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। हाँ। एक तो समझाने से समझते हैं और दूसरे ठोकर खाने के बाद समझते हैं। तुम एक दिन ठोकर खाओगे ना तो अपने आप समझ जाओगे। अच्छा। हाँ। ए जाजा बड़ी आई समझाने वाले। ए जाजा, तू जाना फिर मैं जाऊंगा। अरे तेरे बगैर मैं कहाँ जाऊंगी? कोई देख लेगा। देख ले देना। पकड़ लेना। जय राम जी की चौधरी साहब। जय राम जी की। जमुना दादी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। और कारोबार कैसे चल रहा है? बस ठीक ही है। क्या ठीक है, आप तो हमेशा रोते रहते हैं, पेट ही नहीं भरता आपका। साहूकारी का धंधा करते करते आधा गांव तो अपने नाम लिखवा लिया, क्या आप पूरा गांव लिखवाना है? अरे चौधरी साहब, भले पूरा गांव मेरे नाम हो जाए पर आपसे दूर थोड़ी रह सकते हैं। अब देखिए ना, कल ही आपका बेटा शंकर मेरे पास आया था, पूरे 50,000 रुपए मांगे और मैंने फौरन निकाल कर दे दिए। मेरा बेटा? हाँ क्यों, आपको पता नहीं? हाँ वो 50,000 रुपए, हाँ पता है, मेरे दिमाग से उतर गया था, मुझे पता है उसके बारे में, मुझे पता है। जयराम जी की। जयराम जी की। जयराम जी की। नालायक, बेशरम, बेगैरत, बेहया, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर आ गया, क्या जरूरत पड़ी थी तुझे? क्यों गया था तू सेठ जमुनादास के पास कर्जा मांगने के लिए?
अरे बोल ना, बोल बोल मुखल, अरे बोल, क्यों किया ऐसी गलती? बाबूजी, मेरे भाई पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, बड़े अफसर बने, अगर ऐसा सोचना गलत है तो एक गलती की है मैंने। आपके बेटे जिंदगी में खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाए, अगर ऐसे सोचना गलत है तो ये गलती मैंने की है। तू उनका भाई है तो मैं उनका बाप हूं। बाप, मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूं, उनसे कुछ नहीं होगा रे। वो दोनों बांस हैं, ऐसे बांस जिनमें ना फल लगेगा ना फूल लगेगा, चाहे तो अपने कलेजे का खून निकाल के उनकी जड़ों में छिड़क दे। बाबूजी मैं नहीं, नहीं, आज मेरी बात तेरी समझ में नहीं आएगी, मगर एक दिन तो अपने बूढ़े बाप की बात को याद करके पछताएगा, और शायद उस दिन तेरा बाप तेरे साथ नहीं होगा। जा, जो कुछ करना है कर, जा जा। बहनों और भाइयों, आज ये सुपरफाइन सीमेंट्स मीरता की तरफ से जो कबड्डी का मुकाबला होने जा रहा है, उस मुकाबले में जो भी पार्टी जीतेगी उसे ये कप इनाम में दिया जाएगा। कबड्डी के इस मुकाबले में गब्बर सिंह और उनकी पार्टी एक तरफ है, और दूसरी तरफ है शंकर दयाल चौधरी और उनकी पार्टी। देख लेता हूं। इधर नहीं, इधर आके दिखा। याद रखना, मुझको संभाल के रखना मोटू। झगड़ा नहीं। चित या पट? चित। हम जीत गए, हम पहले आएंगे। जय बजरंग बली, दुश्मन की नली। कबड्डी 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 अबे एक जगह खड़े रहो, भागते हो डरपोक। ए मुछा, कौन डरपोक? अब देख हमारा पहलवान आता है। ए टकलू, जा तू। दादा मैं सबसे आखिर में जाता हूँ। ए कालो, तू जा रहा है? मैं दादा अभी जाता हूँ, सबको खींच लाता हूँ। दादा मैं इसके बाद जाता हूँ। जय भोलेनाथ। कबड्डी 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 क
दादू शक्ति भैया हवालात में बंद है। शक्ति हवालात में बंद है? हाँ। क्यों, क्या किया उसने? दादू उसने कॉलेज की एक लड़की को देख लिया अपने भाइयों की करतूत, देख लिया ना? और लो कर्जा और दो इन लोगों को पैसे, ये पढ़ाई करते हैं शहर में जाकर, कर लिया ना खानदान का नाम ऊंचा। अरे आज तक हमारे खानदान में किसी ने थाने की दहलीज पे पांव नहीं रखा, और वो कमबख्त हवालात में बंद है, और वो भी एक लड़की की। राम 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 राम। जो भी हो बाबा जी हमें फौरन जाके उसे छुड़ाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, साढ़े दो उसको जेल में भुगत दे तो अपने किए की सजा, तभी जाकर उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। नहीं नहीं बाबू जी, अगर वो जेल चला गया तो लोग यही कहेंगे ना कि गंगा प्रसाद का बेटा जेल में है। अरे कह लेने दो, जो कल कहने वाले वो आज कह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? बाबू जी मेरी बात सुनिए, आप चलिए। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। बाबू जी चल रहे छोटो। अच्छा बहुत अच्छा, शहर जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, अफसर बनूंगा, अपने खानदान का नाम ऊंचा करूंगा। ये क्या तूने अपने खानदान का नाम ऊंचा? दादू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, महापाप हो गया तुझसे। अरे हम गांव वाले दूसरों की बहू बेटियों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते, और तूने एक निर्दोष लड़की की आबरू लूट ली। दादू इससे महापाप तो हो गया है, लेकिन अगर इसे नहीं बचाया गया तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस लड़की ने अगर इसके खिलाफ अदालत में बयान दे दिया तो कम से कम 7 साल की सजा हो जाएगी। 7 साल की सजा? नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तू उस लड़की का पता जानता है? हाँ दादू, और उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है। ओ ठीक है, मुझे ले चलो उधर। दादू इस तरह, दादू ये लड़की के पिताजी हैं। हाँ दादू आप जमींदार हैं, बड़े आदमी हैं आप। हम हैं शंकर दयाल चौधरी, मेरठा के सबसे बड़े जमींदार। हमारे पास 200 एकड़ जमीन है, 2 ट्यूबवेल है, 4 ट्रैक्टर है। इतनी सारी जमीन, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर किसी बड़े जमींदार के पास ही होंगे ना। यानी कि हम मेरठा के सबसे बड़े जमींदार है। यह है हमारा छोटा भाई प्रेम दयाल चौधरी, हम प्यार से इसे छोटू छोटू कहते हैं। और एक भाई है हमारा शक्ति दयाल चौधरी। तो तुम शक्ति के भाई हो? जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? Now you get up and get out. मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं तो दादू। तो फिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना पुलिस से फोन करके तुम लोगों को भी हवालात में बंद करवा दूंगा। आपके जो जी में आए बोल लीजिए, आपको पूरा हक है, लेकिन गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। तुम जानते हो तुम्हारे भाई ने क्या हरकत की है? मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, और शर्मिंदा भी हूँ। जो नहीं होना चाहिए वो हो गया, अब इसका एक ही इलाज है, उन दोनों की शादी कर दीजिए। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? मैं उस हैवान को सजा दिला कर ही रहूंगी, चले जाइए आप लोग यहाँ से। तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल वाजिब है, मेरा भाई गुनहगार है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वो तुम दिलवाई दोगी। लेकिन बहन औरत की इज्जत ही उसका गहना है, वो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती, चाहे वो अमीर की बेटी हो या गरीब की। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ है वो क्या तुम भुला पाओगे? नहीं, जिंदगी का हर दिन हर पल काटेगा तुम्हें। मैं अकल में इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन उम्र में जरूर तुमसे बड़ा हूं। मेरी सलाह मानो, मेरे भाई से शादी कर लो। मेरे खानदान को माफ कर दो। मैं अपने खानदान की इज्जत की भीख मांगता हूं। बेटे साहब
आदमी तो आखिर आदमी होता है, उसे गलती हो जाती है, उसे सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए। इसे हम सुधारेंगे। 7 साल जेल की चक्की पीसने के बाद जब ये बाहर आएगा तब इसे हर लड़की बहू बेटी या बहन नजर आएगी। अब तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर साहब जरा मेहरबान कीजिए और आप शक्ति को छोड़ दीजिए। क्या आप ही ने तो आकर से खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी? हाँ, लेकिन वो कंप्लेन मैं वापस ले रही हूँ। मगर वजह क्या है? कहीं से कोई दबाव पड़ रहा है या कोई मजबूरी है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। स्वागत भाभी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुभम भवा, शुभम भवा। आओ आओ भाभी। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? पहले बाबूजी के फेर छुओ। हाँ बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। बुरा मत मानना, बाबूजी का स्वभाव ही ऐसा है, जब वो बहुत खुश हो जाते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं। एक मिनट, बाबूजी ये क्या कर रहे हो? घर में लक्ष्मी आई है और आप मुंह फेरे खड़े हैं? बाबूजी ये सब आपके पुण्यों का फल है कि लड़की शादी के लिए राजी हो गई, वरना आपका बेटा शक्ति जेल में होता और आपकी इज्जत। चलिए बाबूजी, बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। चलिए बस बस बस, सुखी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। नहीं नहीं, बस वो पेट भर गया, बस हाथ धुला दे। अच्छा बेटी सुखी रहे। बाबूजी आज बहुत मूड में, तो एक काम कर, आज बात कर ही ले। नहीं यार, ये बुड्ढा बहुत खड़ूस है, इसके माथे नहीं लगना मुझे। अरे एक ना एक दिन तो बात करनी है ना, हिम्मत कर, तू आज ही कर ले। अब मैं हूं ना तेरे साथ। मैं जाऊं? मेरी प्लानिंग कभी आज तक फेल हुई है? जैसा समझाया कर। हाँ बोलो बोलो। आप तो जानते हैं कि सुजाता बड़े घर की है, उसका ऐसे घर में काम करना, खाना पकाना अच्छी बात नहीं है। अब वैसे भी उसके गांव में दम घुट रहा है, मैं सोच रहा था कि उसे शहर ले जाऊंगा, वहीं को बिजनेस कर लूंगा। दम मेरी बहू का गांव में नहीं घुट रहा है, तुम्हारा घुट रहा है। और यही बिजनेस की बात, वो तुम क्या करोगे? मैं जानता था बाबूजी आप यही कहने वाले, लेकिन आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं जरूर जाऊंगा शहर बिजनेस करने के लिए। तुम्हारे जो जी में ऐसे करो, मेरा दिमाग मत चाटो। मुझे बिजनेस के लिए 4-5 लाख रुपया चाहिए। 1 रुपया नहीं है मेरे पास। तो खेत बेच दीजिए। अच्छा खेत बेच दूं? खेत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, वो शंकर ने अपनी मेहनत से कमाए। तो फिर ये घर बेच दीजिए। खबरदार जो कभी घर बेचने की बात की तो। जानता हूं बाबूजी, सब जानता हूं। आपको ये घर प्यारा है, अपने खेत प्यारे हैं, वो जाहिल शंकर प्यारा है। शंकर के बारे में एक शब्द भी कहा तो जबान खींच लूंगा तेरी। अरे तू क्या जाने शंकर क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि शंकर क्या है। सारी जायदाद हड़पने के लिए उसने जादू कर रखा है आप पर। अगर तूने शंकर का नाम लिया तो जान से मार डालूंगा। गली से बड़ा है शंकर वाला। शंकर शंकर शंकर, जब देखो आप शंकर के बारे में बोलते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? बोले दीजिए क्या फर्क पड़ता है, आखिर भाई तो है। बहुत हो गया भाई का ये नाटक। मैं यहाँ से 6 लाख रुपए लेकर ही जाऊंगा बाबूजी। अगर आप राज्य से नहीं देंगे ना तो मैं अदालत में जाऊंगा। तू अदालत मेरे खिलाफ? तू मुझे पैसा न मिला ना, मैं क्या करते हो? देखते नहीं हो बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है? चुप। अरे मुझे मेरा पैसा चाहिए। तू भी मत बोल बिल्कुल। मुझे मेरा पैसा चाहिए। मुझे पैसा चाहिए। मैं किसी का कुछ नहीं सुनने वाला। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, नाटक करा वो। आहिस्ता आहिस्ता, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। आहिस्ता बोल। दादू भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, सिर्फ 6 लाख रुपया मांग रहे हैं, वो भी बिजनेस करने के लिए। आप बाबूजी को समझाइए ना, क्यों जिद कर रहे हैं? ठीक ठीक है, तुझे पैसे चाहिए ना? हाँ वो मैं दूंगा, तू सिर्फ बाबूजी से इतना कह दे, मुझसे गलती होगी मुझे माफ कर दीजिए। चल कह दो भैया, कह दो, मैं जो कह रहा हूँ। आओ आप आओ। बाबूजी सब ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाइए। बाबूजी देखिए शक्ति आया है, इसे अपने किए पर पछतावा है। हाँ बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी।
सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे मानते ही आप 6 लाख रुपए निकाल के दे देंगे। अरे भाई शंकर, मैं तुम्हें कोई मुफ्त थोड़ी दे रहा हूँ। तुम्हारी 200 एकड़ जमीन और घर गिरवी रख के दे रहा हूँ। लेकिन एक बात है, जितनी जल्दी हो सके ये कर्जा लौटा देना। सेठ जी, मैं तो सिर्फ कर्जा लेने आया हूँ, देने मेरे भाई आएंगे। वो इन पैसों से शहर में बहुत बड़ा व्यापार करने वाले हैं, लाखों रुपया कमाने वाले हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। जयराम जी की जय। राम जी की जय। राम क्या ये? आपका बैंक उठाइए और जब तक आपका हाथ ना थक जाए मुझे मारिए। किस बात के लिए? आपको बताए बिना मैंने सेठ जी से 6 लाख रुपया कर देकर शक्ति को दे दिया। मारिए बाबू जी, मारिए। क्या मालूम, जिस इंसान ने अपने हाथों अपनी तकदीर के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो, ऐसे इंसान को क्या मालूम। अरे तूने बरसों की दिन रात की मेहनत की कमाई को एक झटके में ले जाकर उन नालायकों के दामन में डाल दी। वो नालायक नहीं है बाबूजी, वो शहर जाएंगे, धंधा करेंगे, लाखों रुपए कमाएंगे, आपका नाम ऊंचा करेंगे बाबूजी। अरे जिन जलीलों को अपने नाम की परवाह नहीं, वो अपने बाप का नाम क्या खाक ऊंचा करेंगे। अरे देखना एक दिन वो तुझे भी दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देंगे। अरे पगले, कभी सोचा है तूने? कल तेरा भी घर बसेगा, तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, उनको क्या देगा? अरे क्या बचा है तेरे पास? मेरे पास मेरे बाबूजी है, आप है मेरे पास, आपका आशीर्वाद है मेरे पास। बाबूजी, बाबूजी बचे हैं तेरे पास? बाबूजी को इतना चाहता है तू? अरे पगले, तू अपने अपने बाबूजी को इतना चाहता है तू? दिखता नहीं है क्या? मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मुझे बचा लीजिए। बैठो, बैठ जा। बड़ी मेहरबानी। चल। डैम इट, कहाँ चला गया? फॉलो मी। तुम दोनों ने हमारे भाई की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या काम करते हो? सर, काम की तलाश में है। आप ही की तरह को बिजनेस करना चाहते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, फटाफट ओवरनाइट। बहुत स्मार्ट लगते हो। कीप इट अप। थैंक यू सर। थैंक यू। बड़े भैया, इन दोनों भाइयों को अपने साथ काम में रख लेना चाहिए। अरे भाई, तुम तो अपने धंधे को अच्छी तरह से जानते हो, 50 किस्म के राज होते हैं जी। इस तरह से इतनी जल्दी हरे हरे गहरे पर एतबार नहीं किया जा सकता। पर भैया, दोनों भाई भरोसे मन लगते हैं। ठीक है अगर तुम ये कहते हो, लेकिन तब भी इन दोनों को अच्छी तरह से ठोक बजा लो, परख लो। अगर सही लगे तो अपने धंधे के कायदे कानून इन्हें समझा देना, समझे? तू यहाँ क्यों आई? अरे एक ना एक दिन तो आना ही था, इसीलिए मैं आ गई और बैठ गए। वाह 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 वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। चलो उठ, भाग इधर से। अजीब आदमी हो, घर आई मेहमान की इस तरह बेइज्जती करते हो। वैसे भी होने वाली बहू पहली बार घर आई है तो मुंह मीठा कराओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ आरती वारती उतारो। जाओ जाओ। आरती वारती उतारो, अगर बाबूजी ने देख लिया तो मेरी आरती उतर जाएगी। चल चल भाग इधर से। पहले ये बताओ, मुझे 3 दिन से क्यों नहीं मिले? देख, मैं बाद में आ जाऊंगा।
तो जो कुछ बोलेगी वो मैं करूंगा। तेरा हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, जहाँ बाबूजी ने देखते तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, बाबूजी से क्या इतना डरते हो? मैं खुद बाबूजी से मिलने आई हूँ और बाबूजी से इतना ही पूछूंगी। क्या बाबूजी पैदा किया? क्या 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 पैदा किया? क्या 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 बोले? लल्लू जैसे बेटे को पैदा किया। मैं लल्लू? हाँ मैं लल्लू। मैं नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। बैठो। अरे जीती रे बेटी, तू कब आई? बाबूजी मैं आप ही से मिलने आई थी। अच्छा अच्छा, तू मुझसे मिलने आई थी? और ये कहने आई थी कि बाबा आपको बहुत याद कर रहे थे, कह रहे थे बहुत दिन से आप मिले ही नहीं। बहुत दिन से? तो कल जो मुझे मिले थे वो तेरे बाबूजी नहीं होंगे, उनका कोई हमशक्ल होगा शायद। हाँ कल मिले थे? नहीं नहीं, बाबा ही थे। उनका मतलब है, नहीं मेरा मतलब है कि आप कहीं दिनों से हमारे घर नहीं आए। अच्छा अच्छा, तू यूँ बोलना तो तू ये चाहती है कि मैं तेरे घर आऊँ? तू ये चाहती है कि मैं तेरे घर में आके तेरे बाबूजी से अपने इस लल्लू बेटे की शादी के बारे में बात करूँ? नहीं नहीं, लल्लू नहीं बाबूजी, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा तुझे पसंद है? अरे सुन तो लल्लू। बाबूजी अब तू पुतले की तरह यहीं खड़ा रहेगा या उसके पीछे जाएगा? मैं जाऊं? जा। मैं जा। सर आप हमारे काम से खुश हैं ना? सर हम बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सर आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। अरे हम जानते हैं भाई, जानते हैं, इसलिए हमने सुलेमान से कहकर तुम्हारी लिमिट 20 लाख से 40 लाख तक की करवा दी है। अब तुम 40 लाख का सोना ला ले जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। की बेटा। की बेटा। क्या डली? पिकॉ डली स्ट्रीट 44। गुड शक्ति, बैग दे दे से। पुलिस पुलिस, अरे वो बैग किधर? चल 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 जल्दी, जल्दी जल्दी। स्टॉप इट। भाग गए तीनों। सर वो सब गड़बड़ हो गई सर। सर सर वो हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। मिस्टर जॉन का फोन आ गया था हमें। सर हमने बहुत कोशिश की सर, लेकिन सर हम माल को बचा नहीं सके सर। सर माल की हमें फिक्र नहीं है, समझो कि माल घर में ही है। लेकिन वो कौन सा ऑफिसर है जिसने डाबला भाई के माल पर हाथ डालने की जरूरत की? सर उस ऑफिसर को मैंने आपके यहाँ देखा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ठीक से पहचान नहीं सका सर। हाँ सर, हाँ सर। पहचान हम निकाल लेंगे, जरूर निकाल लेंगे। हैं? सोने की जगह पत्थर? मतलब उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है। कॉल गोल्ड, 100% प्योर गोल्ड। साला डाबला भाई अपने आप को बहुत समझदार और चालाक समझता था, साला बेवकूफ। सोना देखा, इस खोपड़ी का कमाल, इसको कहते हैं दिमाग। रातों रात लखपति वहाँ पुलिस सोने को ढूंढ रही है और डाबला साला पुलिस को। मास्टर दीनानाथ जी घर पे हैं? आइए आइए। अरे आइए। नमस्ते। आज का दिन तो बड़ा शुभ है कि आप हमारे घर आए। नहीं मासी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता मैं हाजिर हो जाता। हाँ वैसे उसूलन तो आप ही को आना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि गरज अपनी है तो मैं ही चले चलता हूँ। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, आप आज्ञा दीजिए। मासी जी मैं आपको याद दिलाने आया था कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी कर देनी चाहिए। गंगा प्रसाद जी मैं जानता हूं हमारे बच्चे बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। मैंने खुद भी कई बार चाहा कि अपनी बेटी का रिश्ता आपके यहां ले जाऊं,
मगर सच्ची बात तो यह है कि आप जैसे बड़े आदमी के यहाँ रिश्ता ले जाने में मन बड़ा झिझकता था। बड़ा आदमी और मैं? क्या मास्टर जी, जिस इंसान के सामने सारा गांव सर झुकाता हो उसे बड़ा इंसान कौन हो सकता है। अच्छा खैर, ये छोटे बड़े का चक्कर छोड़िए और जितनी जल्दी हो सके शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाइए। लगन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस दो मिनट और रुक जाए पंडित जी, मेरी शादी हो और मेरे भाई ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? वो जरूर आएंगे। अरे क्या खाक आएंगे वो लोग, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। पंडित जी आप शुरू कीजिए। थोड़ा इंतजार कर लें, शायद वो आ जाएं। मैं उनका बाप हूँ, उनके रग रग से वाकिफ हूँ, वो जान बूझ के नहीं आएंगे। पंडित जी चुप घड़ी नबी जी आप शुरू कीजिए, मैं कह रहा ना शुरू कीजिए। मैंने कहा था ना वो जरूर आएंगे, भाई किसके हैं मेरे। स्वस्ति ने बृहस्पति दादा तू, ओम ब्रह्मा मुरारी स्थिति प्रांतकारी भानु शशि भूमि गुरु शुक्र शनि। बाबू जी वो कहने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साध के शरणे त्रिंबके गौरी नारायण नमो। शक्ति वो छोटू पीछे आ रही क्या? नहीं भैया, उन दोनों को कुछ जरूरी काम से रुकना पड़ा तो। ये भी तो जरूरी काम है, मेरी शादी हो रही है और उनको आने की फुर्सत नहीं है, ऐसा कौन सा जरूरी काम है? एक, चल चल। पांच सौ ब्लाइंड। हजार ब्लाइंड। और ये शो शो ये। ले बच्चे देख। ए मिठाई बांटो, बाजो बजाओ, नाचो गाओ, अपने छोटों की सगाई हो रही है। परोती परोती देख, देख चल चल चिट्टी आई है, अपने छोटों की सगाई हो रही है। अच्छा। देख देख देख। अरे क्या शोर मचा रहे हो, क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? बाबू जी कल शहर में छोटू की सगाई है, हम सबको बुलाया है, आप जल्दी तैयार हो जाइए, कल सगाई है, आज निकलेंगे तो कल पहुंचेंगे। हम नहीं जाएंगे सगाई में। अरे बाबू जी आप नहीं जाएंगे तो सगाई कैसे होगी? ये कोई सगाई का तरीका है? न हमसे पूछा न सलाह ली और मंगनी का दिल तय कर लिया, हम नहीं जाएंगे सगाई में। बाबू जी अरे पार्वती पार्वती तू जरा समझाना, जा जा समझाना। बाबूजी बहू तू जाके उसे कह दे हम इस मंगनी में नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं और पार्वती चले जाते हैं, चल पार्वती। नहीं बाबूजी को अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती, अगर मैं चली गई तो इनकी देखभाल कौन करेंगे? अच्छा तुमको भी नहीं जाना है, ठीक है ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ और ऐसा स्टाइल से बंठन के जाऊंगा कि सारा शहर देखता रह जाएगा। हाँ मुझे तो उसी दिन इस बात का शक हो गया था जब उन्होंने आकर बताया था कि पुलिस ने हमारा माल पकड़ लिया है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि हमारा गोल्ड चला गया, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि डाबला भाई की नजर ने पहली बार धोखा खाया है। फिक्र मत करो बड़े भैया, अरे जोगी तुम। हाँ पप्पू मैं, तू क्या समझता है मेरे भाई को धोखा देके नहीं, नहीं, नहीं। उसका माल हड़प करके तू चैन से रह सकता है? अरे जोगी जोगी बात तो सुन, क्या मेरी बात सुनिए आप जोगी, मदारी का खेल हो रहा है क्या? हमको भी जरा देखते दो भाई। अरे भाई ये लोग मारा मारी क्यों कर रहे हैं, होते क्यों हो भाई? ये तो छोटू है, मेरा भाई है यार। ए छोटू
अरे साहब, एक बच्चे को जान दो मार रहे, शरीर में ऐसा होता है क्या? रोको उनको, रोको ना। अरे छोटू, कौन है ये लोग? गुंडे लोग। गुंडे लोग? देखने में तो शरीफ लग रहे हैं। शहर में ऐसे होते हैं। अच्छा, इनकी माँ क्या का? आप देख तमाशा। साला ये ले मुंबई से मारो। एक मिनट लगी है साला, मेरे भाई पर हाथ उठा रहा है। ये ले मेरता की मार। ये ले कलकत्ते की मार। जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ, कमाल हो तुम शेर वाले, ये को चार आदमी मारते हैं और तुम लोग देखते रहते हो। आ गए तमाशा देखने। अरे खून खून खून। छोटू, इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? दादू, वो व्यापार की दुश्मनी। अच्छा दादू, आप आ गए, पर आज मैं तो मर ही जाता। अरे मारे तेरे दुश्मन। लेकिन छोटू, तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया था ना? नहीं। व्यापार में सच्चाई और ईमानदारी से बरतते हो ना? हाँ दादू, मैं व्यापार में एकदम सच्चाई और ईमानदारी बरतता हूँ। आप घर चलो दादू, चलो। अरे मेरी पोटली 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 पोटली। आओ दादू, आ जाओ। अरे 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 दादू, कहाँ जा रहे हो? ए छोटू, गलत जगह गए हम लोग। घर का मालिक आके तो जूते पड़ेंगे। चल। क्यों जूते पड़ेंगे दादू, ये मेरा घर है। तेरा घर? शहर में दादू को उल्लू बना रहा है, उल्लू बना रहा है। चल चल दादू, मैं उल्लू नहीं बना रहा हूँ, आपकी कसम, ये मेरा घर है, शक्ति भैया का घर है, सब है घर में, भाभी शक्ति भैया, चलो मैं आपको मिलाता हूँ सबसे। आओ ना दादू। बाप रे बाप, ये घर है कि महल? छोटू, ये तेरा ही घर है ना? हाँ दादू, ये मेरा घर है, आपका घर है, शक्ति भैया का घर है, हम सबका। कोट टाई हैट देख, स्टाइल है ना? अरे दादू, अपना भी स्टाइल है ना, ये देखो स्टाइल, वो देखो स्टाइल, ये देखो स्टाइल, स्टाइल स्टाइल दादू। बहुत बढ़िया व्यक्ति। हाँ जी, एक बात पूछो। आप पूछिए। ये तेरा ही घर है ना? हाँ दादू। कितना किराया देता है? किराया नहीं दादू, खुद का मकान है, पूरे 40 लाख रुपया खर्चा करके खरीदा दादू। अरे छोड़ो ना दद्दू, आओ बैठो, आओ बैठो, चालीस लाख, आओ बैठो, बैठो ना दद्दू, बैठो। ये तेरा ही घर है? अरे दादू, कितनी बार पूछेंगे, नहीं ये हमारा ही घर है। एक बात पूछो तो बुरा नहीं मानोगे ना? आप पूछो। तुम लोग कोई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं दादू। अरे दद्दू, शहर में सारे धंधे सीधे ही होते हैं। हाँ, शहर में सारे धंधे सीधे होते हैं। अरे मेरे शेर, मैं बाबूजी को बोलता था कि तुम कितना नाम करोगे। अगर बाबूजी आते सब देखते तो कितना खुश होते हैं। शक्ति, एक बात पूछो। हाँ बोलो। गांव में जो कर्जा लिया था वो कौन सा कर्जा? अरे वो कर्जा ना, जो आपने हमारा कारोबार शुरू करने के लिए लिया था 6 लाख रुपया, तो जब आप कहो वापस कर देते हैं, उसमें चिंता की कोई बात नहीं। नमस्ते बड़े भैया। अरे कैसे हो बाबू जी? आ गए। सुखी रहो, सुखी रहो। अरे रे रे रे, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या नाम है इसका? आरती। बड़ा प्यारा नाम, तुम फिक्र मत करना, इसकी शादी पर 50 एकड़ जमीन दूंगा मैं। पर भैया, भाभी कहाँ है?
अरे वो गांव की गवाह लड़की है, शहरों से डरती है और फिर इतना बड़ा मकान देखा तो बेहोशी हो जाती है। अरे पर आज खुशी के मौके पर आते तो कितना अच्छा होता। मैं आ गए ना। अच्छा ठीक है, आप सफर से थक गए होंगे, अंदर चले नहा दोगे, खाना खा ली। हाँ चलो चलो चलो। एक बात पूछू, ये तुम्हारा ही घर है ना? हाँ, लेकिन ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं वैसे ही पूछा। ये दद्दू क्या 6 लाख की बात कर रहा था, और तू क्या बोल रहा था कि दे देंगे दे देंगे दे देंगे? अरे रिलैक्स यार, किसने देना है किसने लेना है, आया है सगाई का खाना खा के चला जाएगा। भाई साहब आप इसे पहन लीजिए। ये क्या है? कोट पैंट और शर्ट पहन लीजिए। ना बाबा ना, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं पहनूंगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। फिर भी आप इसे पहन लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम्हारी खुशी के लिए? तुम्हारी खुशी के लिए? अरे तुम भी क्या याद करोगी बहू। Congratulations. Thank you. अरे शंकर लाल जी। हाँ भाई सगाई मुबारक हो, क्या जोड़ी है, आखिर आ गए ना हमारी लाइन में, वाह वाह वाह। वो तो आना ही पड़ा। नमस्कार नमस्कार। जयराम जी की। हाँ जरूर। जयराम जी की। जयराम जी की। नमस्ते। जयराम जी की। नमस्ते। कोट। सूट। बूट। टाई। जयराम जी की बहन। अरे भगवान, कभी तो कंठन के आया कर, हमारी इज्जत को सवाल है। जयराम जी की। आप ठीक ठाक है, धंधा पानी जोरदार है? अरे यार चल यार, पहले ही बहुत टेंशन है, तू कहाँ से आ गया? ए, मैं शंकर दयाल चौधरी, शक्ति दयाल चौधरी का बड़ा भाई, देखो टाई देखो कोट। अरे यार चल यार, पहले ही बहुत टेंशन है यार, चल चल यार, मेरे मालिक चल, इसने बहुत टेंशन दे रखा है मेरे को, जा तू। Cheers. How are you? Fine. Long time. So good. Well, good dress. Yes, good. 1, 2, 3. ABC D. फोकट में खाना खाने के लिए आ गए। I am Meta coming. Shankar Dayal Chowdhury. What do you say? I बदमाश यार, ओके हिंदी समझना नहीं था, मुझे मुझे बोलता। अब Meta coming. Shankar Dayal Chowdhury. You go. Please. Don't man. ये टेंशन क्या होता है? टेंशन. अब वो क्या शॉप? हो. एक मिनट. बोलो. हो. ये यहाँ सारे लोग टेंशन 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 बोल रहे हैं, टेंशन का मतलब क्या होता है? वो जाने दीजिए ना भाई साहब, आप क्यों उसमें पढ़ते हो, आपको नहीं समझ में आएगा। बताओ कहाँ मिलता है वो? वो टेंशन आपके गांव में नहीं मिलता, हमारे शहरों में ही मिलता है। अच्छा बहुत महंगा है क्या वो? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है चिंता परेशानी। अच्छा चिंता परेशानी, यानी ये सारे लोग चिंता परेशानी में है? एक तो फोकट में खाना खाने के लिए आ रहे हैं, साथ में चिंता परेशानी भी लेके आए हैं। अच्छा इन लोगों को क्या चिंता क्या परेशानी? भाई इनको परेशानी है इनकम टैक्स की, मोहब्बत की, दुनियादारी की, पैसे की, यहाँ तो बस चारों तरफ टेंशन टेंशन टेंशन। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम टेंशन में मत आओ, अब देखना मैं सारे लोगों का टेंशन दूर कर देता हूँ। वो कैसे? तुम देखो तो सही। अच्छा Oh!
मर गया साला। ये क्या शोर हो रहा था? एक गुंडा बिहुल बंद क्या किया तुमने? अरे ये तो मर गया, तुमने इसका खून कर दिया। नहीं 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 दद्दू दद्दू, याद में उन्हीं गुंडों में से एक है जिसने कल छोटू पे हमला किया था। दद्दू इनसे हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी, हमारी वजह से इनका लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था, इसलिए ये हम दोनों को यहाँ पे मारने आया था। दादू दादू जी, अगर शक्ति भैया गिरफ्तार हो गए तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, मेरी मंगनी भी टूट जाएगी। इतना ही नहीं दादू, आज तक आपने हमारी खातिर जितनी मुसीबतें उठाई है, जितनी कुर्बानियां की है, उन सब पे पानी फिर जाएगा दादू। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ दादू जी? अगर आप ये खून अपने सर ले लें तो। नहीं नहीं भैया नहीं, आप इन दोनों की बातों में हरगिज नहीं आना, ये दोनों आपको फंसा देंगे। चुप रहे दादू, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम अपनी सारी दौलत लौटा देंगे, बड़े से बड़ा वकील करेंगे। दादू आपको बचाने के लिए हम लोग अपनी जान तक दे देंगे, जान तक दे देंगे दादू। दादू जी आप भाभी और बाबूजी की चिंता बिल्कुल मत करना, हम उनकी देखभाल करेंगे। नहीं, 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 आप इन दोनों की बातों में बिल्कुल नहीं आना, प्लीज आप इन दोनों की बातों में नहीं आना। दादू जी मेरी मंगनी टूट जाएगी, मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा दादू, मुझे बचा लो दादू, मुझे बचा लो। दादू दादू पुलिस आ गई, दादू दादू कुछ तो कीजिए दादू, दादू मुझे बचा लीजिए दादू, दादू क्या हुआ? दादू पुलिस आ गई दादू, दादू जी ये तूने क्या किया हा? अरे उन शैतानों को बचाने के लिए तूने अपने आप को लाकर जेल के सलाखों के पीछे ठूंस दिया, ये क्या किया तूने? जानता है तुझे खून के बदले कुछ भी सजा हो सकती है। अरे तूने क्या किया रे पगले, ये क्या किया तूने? कुछ नहीं होगा बाबूजी, जिसके सर पर आप जैसे बाप का साया हो उसे क्या हो सकता है, कुछ दिनों की सजा होगी, काट कर आ जाऊंगा। अगर मेरे भाई को सजा हो जाती तो मैं उस देवी को क्या जवाब देता जिसकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत बच गई। उस देवी की तुझे चिंता है और इस देवी की चिंता नहीं है, जैसे पवित्र अग्नि के सामने तूने अपनाया था जिंदगी की खुशी देकर वादा किया था। अरे उन लोगों की परवाह है तुझे और उस बच्चे की परवाह नहीं है जो उसकी कोख में पल रहा है रे। बेटा ऐसा कोई कानून नहीं है कि तेरे बदले मैं इन सलाखों के पीछे आ जाऊं। ये क्या कह रहे हो बाबूजी? ठीक कह रहा हूं रे, तू जब अपने नालायक भाइयों के खून का इल्जाम अपने सर पे ले सकता है तो क्या ये बाप अपने कलेजे के टुकड़े के लिए इतना भी नहीं कर सकता? बाबूजी मैं कानून की दी हुई हर सजा हंस हंस के काट लूंगा, लेकिन अब आप जो सजा दे रहे हैं वो मैं नहीं काट पाऊंगा बाबूजी, नहीं काट पाऊंगा बाबूजी। अरे बेटा मैं अपने तकदीर पे नाज कर रहा हूं कि भगवान ने मेरी झोली में ऐसी औलाद डाली है, भगवान हर दुखी मां बाप को तुझ जैसी औलाद दे। हां बेटा। अरे बहू तू बहुत तकदीर वाली है, बहुत भाग्यशाली है कि तुझे ऐसा पति नसीब हुआ है, ये तो देवता है, इस कलयुग में ऐसा राम कहां नसीब होता है, तू सीता है तो क्या राम पाया है तूने। ये भरती तू मां बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूं। तू मां बनने वाली है और ये शंकर बाप बनने वाला है। भरती भरती नहीं रोना मत। अरे पगली ऐसे खुशी के मौके पर रोती नहीं, हंसना, देख देख मैं बाप बनने वाला हूं और तू मां, ये शंकर
बाप बंद बोला है। हंसना नहीं 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 रोते नहीं रोते नहीं पर्वती 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 तो चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? बोलना क्या बोलो? तभी तुमने सोचा तुम्हारे पीछे मेरा क्या होगा, कैसे बिताऊंगे कहीं पर? ये सब भगवान की मर्जी है पार्वती, हम लोग क्या कर सकते हैं? धरती पर कष्ट तो राम और सीता को भी झेलने पड़े थे। सीता महल छोड़कर 14 साल वनवास काट सकती है, मगर मगर राम के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैं समझता हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर। अदालत मुजरिम शंकर दयाल चौधरी के इकबाल जुर्म को मद्देनजर रखते हुए ताजरात हिंद दफा 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। अरे शक्ति, तेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि बड़े भैया ने खून अपने सर ले लिया, वरना तू तो गया था कम से कम 14 साल के लिए। अरे सजा तो अब भी होगी, तू क्या सोचता है कि जुगंदर का खून होने के बाद वो डाबला भाई छोड़ देगा हमें? डाबला भाई उस साले को भी लंबी तीर्थ यात्रा पर भेज देता हूँ। तीर्थ यात्रा? तीर्थ यात्रा। तो एक फोन लगा, 6143495। अरे ये तो कमिश्नर का नंबर है। कमिश्नर साहब, एक जगह है समुद्र पैलेस और उसका मालिक है डाबला भाई, वहाँ आपको लाखों रुपए का स्मगलिंग का सोना मिल जाएगा। सोना मिलने के बाद हमें हमारा कमीशन दे दीजिएगा। यह तो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा, हम खुद ही अपना कमीशन लेने आ जाएंगे। थैंक यू। गया साला 10 साल के लिए अंदर। वाह छोटू वाह, क्या दिमाग है मेरे लाल का। सर पुलिस। क्या बात है इंस्पेक्टर, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तुम्हारे होश तो ठिकाने पर है, जानते हो ये किसका घर है? ए, मिस्टर पांडे को फोन लगा। सर माफ कीजिएगा, उन्होंने ही हमें यहाँ तलाशी के लिए भेजा है। क्या कमिश्नर पांडे ने भेजा? जी हाँ, हमें खबर मिली है कि आपके यहाँ गैर कानूनी सोना है और ये रहा आपका सर्च वारंट। ठीक है चलो तलाशी लो। इंस्पेक्टर, अरे भाई खामखा वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। देखो अब तुम डाबला भाई के घर आ ही गए हो तो तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा। छोड़ो ये तलाशी वलाशी, ये सर इसमें सोना है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर डाबला। मुझे अरेस्ट करके इंस्पेक्टर तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मैंने तुम्हारी ये वर्दी ना उतरवा दी ना तो मेरा नाम भी डाबला भाई नहीं। चलो मेरे साथ। हिम्मत रखो बेटी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस चौधरी साहब आपके घर लड़का पैदा हुआ है। लड़का? हाँ जी। मेरे पुत्र? बड़ी मेहरबानी। हे भगवान, मैं दादा बन गया। तूने इस बुढ़ापे में मेरी लाज रख ली, मेरी लाज रख ली तूने, मेरी लाज रख ली। शंकर तुमसे मिलने तुम्हारी बीवी आई है। पार्वती बच्चा। मैं भी आया। जरा साहब, जरा साहब, मेरी बीवी मेरे बच्चे को लेकर आई है। वो मेरा पहला बच्चा है, मैं उसे गोद में लेना चाहता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है जाओ। आपको भगवान 100 साल की उम्र थे। हम्म।
मेरा बेटा बिल्कुल बाबूजी पर गया है ना। बाबूजी कैसे हैं? ठीक है। परती मैं कितना बदनसीब हूं, ना तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति बन सका, ना इस बच्चे के लिए एक अच्छा बाप। ऐसा मत कहिए। इस वक्त मेरी हालत ऐसी है, मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं हूं। तुम कैसे हो? बस जिंदा हूं, एक एक दिन आपकी यादों में बिता रही हूं, हर रात यही सोचती हूं कि आपकी सजा नहीं मेरी सजा है। ऐसा क्यों हुआ? नहीं बोलते मत रो। शंकर, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। हाँ, बोलते बच्चे का ख्याल रखना, बाबूजी का ख्याल रखना। चलो शंकर। हाँ। बाबूजी, हम आपको एक खुशखबरी देने आए हैं। हमने सेठ दुर्गा प्रसाद का सारा कर्जा सूद समेत चुका दिया है। सच? हाँ भाभी। बबल, तू ये ऐसा कर नहीं सकते, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जिंदगी में पहली मर्तबा को अच्छा काम किया है। शंकर सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। हाँ बाबूजी, आज तक इस घर में जो कुछ भी होता रहा है सिर्फ दादू की खुशी के लिए होता रहा है। यानी कि हमने आपकी सारी जमीन और जायदाद जमुना दास के हाथ बेच दी और ऊपर से 10 लाख रुपए भी ले लिए। मगर तुम कैसे बेच सकते हो, वो सब तो शंकर के नाम है। दादू के जाली दस्तखत करके। ए मानो, निकल जा घर से बाहर। बाबूजी, निकलना तो अब आपको पड़ेगा यहाँ से। तुम्हारे भाई को जेल से आ जाने दो, फिर हम खुद चले जाएंगे। देखो भाभी, अब इज्जत इसी में है, कल तक बाबूजी को साथ में लेके किसी झोपड़े में चली जाओ, वरना पुलिस धक्के मार मार के आप लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देगी। पुलिस की धमकी देता है। साला बुड्ढा। बाबूजी, दादाजी, बाबूजी, दादाजी, बाबूजी, कुछ बोलिए ना बाबूजी, बाबूजी, नहीं, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे अच्छे चाल चलन की वजह से सरकार ने तुम्हारी बाकी सजा माफ कर दी है। आज तुम रिहा किए जाते हो। लो यहां दस्तखत कर दो। बाबूजी, पार्वती कहां चले गए सब? बाबूजी, कौन है आप? मगर आप कौन है? मैं इस घर का मालिक हूं भाई। घर के मालिक? हाँ। इस घर के मालिक तो मेरे बाबूजी है, गंगा प्रसाद जी। अच्छा, तो तुम उनके बेटे हो? जी। लेकिन ये घर तो बिक चुका है, मैंने सेठ जमुना दास से खरीदा है। बिक चुका? हाँ। तो फिर मेरे बाबूजी, मेरी बीवी कहाँ? भाई उनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, आस पड़ोस में पता लगा, कोई बता सकता है शायद। नमस्ते राम जी। कर बेटे, तुम कैसे हो? कब आए? वहां घर में कोई नहीं, कहां चले गए सब? सब क्या हो गया? तुम्हारे भाइयों ने पैसों के लालच में जमीन जायदाद सब बेच डाली, सबको घर से बेघर कर दिया। मेरे भाइयों ने सब कुछ बेच डाला? ये कैसे हो सकता? बाबूजी किधर? बाबा अब चुप क्यों? बाबूजी किधर है? बाबा, बाबूजी किधर है? तुम्हारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं।
आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे बाबू जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। बाबा कह दीजिए, आपने जो कुछ कहा वो सब झूठ है, कह दीजिए। मेरे बाबू जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरे बाबू जी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। धीरज रखो बेटा, होनी को कौन टाल सकता है। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। बाबा पार्वती कहाँ है, मेरा मुन्ना कहाँ है? आप क्या बताऊं बेटे, तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद पार्वती एकदम टूट सी गई। मेरे लाख समझाने पर भी कि तुम्हारे आने तक वो मेरे साथ रहे, उसने इनकार कर दिया। कहने लगी मैं गांव में रहकर अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा लोगों की ये ताने सुन सुनकर बड़ा हो कि उसका बाप खूनी है। वो दोनों इस वक्त कहां होंगे? भाई साहब एक ग्लास पानी पिला दीजिए। लो शंकर, तुम यहां और इस हालत में? बात क्या है? मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लूट गए। आखिर हुआ क्या? न जाने मेरा बच्चा मेरी पार्वती कहां गुम हो गए। तेरी पार्वती, तेरा बच्चा? अरे वो तो मुझे मालूम है। तुझे मालूम है मेरी पार्वती कहां है? हाँ हाँ मुझे मालूम है। बता जल्दी बता, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, मेरी जान मेरी जिंदगी। बता मेरी पार्वती कहां है, बता। कब आए? ये घर वाले बहुत अच्छे हैं, काम करने में शर्म कैसी है। मेरी बात छोड़िए, आप कैसे हैं? कैसा हो सकता हूं, मुन्ना कहां है? पार्वती मुन्ना कहां है? मुन्ना कर सकती हूँ, मगर आपके आंसुओं का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद शायद भगवान की यही मर्जी थी। भगवान भगवान कौन भगवान, कैसा भगवान, कहाँ है भगवान? बुलाओ अपने भगवान को और पूछो उसे, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कोई भगवान नहीं है पार्वती, सब झूठ है, बकवास है, धोखा है। पार्वती आज तक
दुनिया ने इस शंकर का शांत रूप ही देखा है। आज के बाद दादू जी आप जेल से कब आए? हमें पहले मालूम होता, हम गाड़ी लेकर आते, फूल माला से आपका स्वागत करते दादू। दादू नहीं, दादू आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें माफ कर दीजिए। दादूजी, 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 हमें माफ कर दीजिए, दादूजी, हमें माफ कर दीजिए, दादूजी। आज मेरी बात तेरी समझ में नहीं आएगी, मगर एक दिन तो अपने भोले बाप की बात को याद करके पछताएगा। तो शायद उस दिन तेरा बाप तेरे साथ नहीं होगा। दादू हमें माफ कर दो, दादू। नहीं नहीं नहीं, मुझे माला का स्वागत नहीं चाहिए, मुझे जेल में काटे हुए एक एक पल का हिसाब चाहिए, मुझे शक्ति दयाल चौधरी चाहिए, प्रेम दयाल चौधरी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। कौन है तुम? हट। कौन है तुम लोग? क्या बदतमीजी है? चलो। ये बदतमीजी नहीं है, तुम्हारा बाप आ गया डाबला से ठेस से। ए, क्या देखता है? चलो तुम दोनों को बुलाओ। नाश्ते में कुत्ता खाया था क्या? तो भौंक रहा है, कह रहे अपने डाबला सेठ से कि हम नहीं उसे मिलना चाहते, जाओ इस घर से बाहर। क्या? चलो अभी इसी वक्त। क्या हो रहा है? लेके जा रही हूं मैं बस डाबला सेठ के पास। हटो, हट जाओ, चलो। दीदी अब क्या होगा? चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। भैया भैया भैया, डाबला भाई के आदमी आपके दोनों भाइयों को जबरदस्ती उठा के लेके गए हैं, उनकी जान खतरे में है, आप किसी तरह उन्हें बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन आज अगर आपने उन्हें नहीं बचाया तो आप दोबारा उन्हें जिंदा नहीं देख सकेंगे भैया।
मैं जानती हूँ भैया, आप पहले भी हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दे चुके हैं। हमारी खातिर आपको जेल जाना पड़ा, आपके परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, इसलिए आपको उनसे नफरत करने का पूरा अधिकार है। लेकिन फिर भी अपने सुहाग को बचाने के मोह में हम दोनों यहाँ दौड़ी चली आई। अगर अगर आप उन्हें नहीं बचाना चाहते हैं तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे भैया, हम आपसे माफी चाहते हैं, हमें कोई गिला नहीं, हम चलते हैं। ठहरो, सुनिए, आज आपको खामोश नहीं रहने दूंगी, आपको इनकी मदद करनी ही चाहिए। ये सच है कि आपको अपने भाइयों की वजह से दुख की आग में जलना पड़ा, और ये भी सच है कि उनकी वजह से हमारे स्वर्ग जैसा संसार तिलकों की तरह बिखर गया, सब कुछ उजड़ गया। मगर फिर भी इंसान को किसी मोड़ पर आकर मजबूर होना पड़ता है। जरा सोचिए, कौन है वो लोग? उनकी रगों में भी आपके पिताजी का ही खून है। भगवान ना करे आपके भाइयों को कुछ हो गया तो गंगा प्रसाद के खानदान की ये बहुएं विधवा हो जाएंगी। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपनी बहनों के सुहाग की भीख मांग रही हूँ। किसी के लिए ना सही, मेरे खातिर उनकी रक्षा करनी ही पड़ेगी, रक्षा करनी ही पड़ेगी। जादो, मेरा ही माल खा कर मुझे जेल भिजवा कर आयश करते रहे तुम लोग। अपने बाप का मैं समझ रखा था क्या है? तो डाबला भाई को चूहा है जो बिल के अंदर घुस जाएगा। क्योंकि डाबला भाई वो शेर है जिसकी एक धार से तुम जैसे हजारों चूहे बिल के अंदर वापस घुस जाते हैं। तुम लोगों ने समझा होगा कि मैं 10 साल के लिए जेल किया गया, इस दुनिया से ही चला गया है। अरे डाबला भाई, जब तक तुम जैसे मक्कारों का खात्मा नहीं कर लेता तब तक इस दुनिया से इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है।
लौटा दो। ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से आपको इन दो भाइयों पर शर्मिंदा होना पड़े। दादू हमें माफ कर दो, दादू हमें माफ कर दो, दादू हमें माफ कर दो। अगर इस भाई के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो इन दोनों की शादी कर दो। और सुनो, जिंदगी में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो।